स्टोरी विद अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं अनिल मोहन की लिखी सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन उपन्यास खलबली। लीजिए आज आप लोग सुनिए इस नॉवेल की तीसरी एपिसोड आरजे अरुण के साथ। टेबल पर पेन से बनाया गया नक्शा बिछा था। बेदी, सुकरा और अंजना की निगाहें नक्शे पर थी। सुकरा नक्शे पर उंगली रखे कह रहा था, ये है देवनगर का इलाका, यहाँ सेठ पिसोरीलाल ने नया बंगला खरीदा है। सुकरा ने उन लाइनों पर उंगली चलाते हुए कहा, इस रास्ते से ट्रक पिसोरीलाल की तिजोरी लेकर देवनगर पहुँचेगा। तूने ये बात किससे पूछी? ट्रक ड्राइवर से, बदले में शराब की बोतल की भेंट की उसे देनी पड़ी। सुकरा मुस्कुराया। ट्रक ड्राइवर ने पूछा नहीं कि तू ये बात क्यों पूछ रहा है? बेदी ने उसे देखा, पूछा था। सुकरा फूना मुस्कुराया, लेकिन तब तक मैंने बोतल का ढक्कन खोलकर शराब को गिलास में डाल दिया था। जब वो शराब उसके पेट में पहुंची तो दोबारा कुछ भी पूछना उसे याद नहीं रहा। बढ़िया रहा, बेदी ने सिर हिलाया। अंजना बोल उठी, पिसोरीलाल अपनी सेफ कब शिफ्ट कर रहा है? इसी हफ्ते वीर या शुक्र को? पक्का दिन नहीं पता? नहीं, लेकिन अब ये बात मालूम करूंगा। सुकरा उठते हुए का उठा, आजकल में ये बात भी मालूम हो जाएगी, वैसे भी ऐसी बातें छिपती कहाँ है। तेरी पूछताछ से किसी को शक ना हो जाए कि किसी को शक नहीं होगा, सुकरा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। बेदी ने उसकी तरफ कार की चाबी बढ़ाते हुए कहा, बाहर उदय की कार खड़ी है, उसे दे देना। ठीक है, सुकरा ने कार की चाबी ली। और राधा का क्या रहा? बेदी ने बताया, मतलब कि अब राधा पिसोरीलाल की हरकतों पर नज़र रखेगी। हाँ, ये ज़रूरी था कि पिसोरीलाल की हरकतों की खबर हमें मिलती रहे। सब काम हमने ध्यान से करने हैं, क्योंकि हम अनाड़ी लोग हैं, हमसे कहीं भी गलती हो सकती है, बेदी ने गंभीर स्वर में कहा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा, सुकरा कहते कहते ठिठका, क्योंकि उसी पल बेदी ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया था। चेहरे पर पीड़ा के भाव छा गए, एकाएक तड़प कर उठा, परंतु खड़ा नहीं हो पाया। गिरने लगा तो सुकरा ने उसे थाम लिया। विजय, सुकरा हड़बड़ाया, क्या हुआ तुझे? विजय, 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 अंजना का स्वर कांप उठा। इसे क्या हुआ भाभी? सुकरा घबरा चुका था, एक बार पहले भी हुआ था, शायद दिमाग में फंसी गोली की वजह से सिर में तेज दर्द उठता है, उस दिन तो फौरन ही ठीक हो गया था। अंजना सूखे होठों पर जीभ फेर कर कह उठी, आज? तभी बेदी की तबीयत संभलने लगी, वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा, उसका चेहरा पसीने से भर चुका था। सुर्ख हो रही आँखों से उसने सुकरा को देखा। अब ठीक है? सुकरा ने बेचैनी से पूछा। बेदी ने हौले से सहमति में सिर हिला दिया। सुकरा ने उसे आहिस्ता से कुर्सी पर बिठा दिया। अंजना पानी लाई तो बेदी ने गिलास खाली कर दिया। ये सब क्यों हुआ विजय? सुकरा ने गंभीर स्वर में पूछा। दिमाग में फंसी गोली की वजह से, बेदी गहरी गहरी सांस लेता का उठा। सब ठीक हो जाएगा, दिमाग में फंसी गोली निकल जाएगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। तुझा उदय को कार देते जाना। सुकरा ने गंभीर भाव में बेदी का कंधा थपथपाया और बाहर निकल गया। बेदी अब पहले की तरह सामान्य हो चुका था। अपना ध्यान रखा करो विजय, अंजना अपने आप में कह उठी। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। अंजना आगे आई और कुर्सी पर बैठी बेदी की गोद में बैठ गई। अब तुम बहुत व्यस्त रहती हो, मेरे लिए भी वक्त नहीं तुम्हारे पास, अंजना इठला कर बोली। अब है वक्त, बेदी ने उसे बाहों में के घेरे में लिया। सारी कसर निकाल। तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। अंजना फौरन बेदी की गोदी से उतर गई। मैं देखता हूँ, कहने के साथ ही बेदी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलने पर बेदी ने सामने जिसे देखा तो हैरानी से उछल पड़ा। उदयवीर छोकरों के साथ एक गाड़ी ठीक करके वापस केबिन में पहुंचा तो राघव को वहां बैठे पाया। उदयवीर मुस्कुराकर अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला,
अकेले अकेले पंखे की हवा खा रहा है। हाँ, राघव मुस्कुराया। केबिन में नहीं बैठना हो तो पंखा बंद करके जाया कर। पंखा बंद कर दूंगा तो तू गर्मी से सड़ेगा, इसलिए बंद नहीं करता, कहकर उदयवीर हंसा। राघव के चेहरे पर गंभीरता आ गई। क्या हुआ? यार, मैं विजय के बारे में सोच रहा हूँ, राघव ने उसे देखा। उदयवीर के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। सोचता तो मैं भी हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मैं फिर भी उससे मिलना तो चाहिए, खैर खबर तो लेनी चाहिए, ये तो मैं भी सोच रहा था। वैसे आज सुबह विजय आया था, जल्दी में था, कोई खास बात नहीं की। कार उसे चाहिए थी वो ले गया, बात करने का मौका ही नहीं दिया। उदयवीर ने गहरी सांस ली। हो सकता है उसके मन में हमारे लिए नाराजगी हो। नहीं राघव, वो नाराज नहीं हो सकता। नाराज तो तब हो जब हमारे पास पैसा हो और हम उसे देने से इनकार। लेकिन उसका साथ देने से तो इनकार किया है हमने, राघव को उठा। वो बात अलग है, चोरी करने जैसा काम हम नहीं कर सकते, इस बात को वो भी जानता है। और एक इनकार से यारी दोस्ती नहीं टूटती बरसों की। उदयवीर की आवाज़ में विश्वास था। तो चले आज विजय के पास? हाँ, बोतल लेकर। राघव मुस्कुरा पड़ा। ठीक है, शाम को चलेंगे। तभी बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। ये तो मेरी कार की आवाज़ है, उदयवीर उठता हुआ बोला। विजय ही आया है शायद, बढ़िया रहा, आज गैराज पर ही प्रोग्राम बना लेते हैं, राघव पुनः मुस्कुराया। उदय, तभी शुक्रा की आवाज़ कानों में पड़ी। शुक्रा भी साथ है, आज तो बहुत दिनों बाद टोली बैठेगी इकट्ठे, उदयवीर हौले से हंसा। तभी शुक्रा ने भीतर प्रवेश किया। उसने दोनों को देखा। हेलो दोस्तों, शुक्रा का उठा, मजे हो रहे हैं? विजय कहाँ है? उदयवीर ने उसे देखा। मालूम नहीं, घंटा भर पहले ड्राइविंग स्कूल में आया था, जहाँ मैं लोगों को कार चलाना सिखाता हूँ, शुक्रा ने लापरवाही से कहा। तुम्हारा कार मेरे हवाले करके बोला कि तुम्हें दे दूँ, कार लेकर आया हूँ, कहने के साथ ही शुक्रा ने कार की चाबी टेबल पर रख दी। तू बैठ, कहाँ जा रहा है? जल्दी है। ऐसी भी क्या जल्दी जो वास्तव में जल्दी है? विजय का हाल कैसा है, राघव ने पूछा। बढ़िया, पहले जैसा ही, शुक्रा शांत भाव में मुस्कुराया। और वो गोली जो दिमाग में, वही है अपनी जगह, शुक्रा ने गहरी सांस ली। विजय क्या कर रहा है? उस गोली को निकालने के लिए पैसे का इंतजाम हुआ कि? मैं नहीं जानता, पिछले दिनों से मैं व्यस्त हूँ, आज वो जल्दी में था, बात नहीं हो पाई। हो सकता है शायद आज शाम उससे मुलाकात करूँ, शुक्रा बोला। चलता हूँ फिर। सुन, शाम को हमने विजय से मिलने का प्रोग्राम बनाया है, बोतल लेकर तुम भी आ जाना, वहीं बातें करेंगे, देखूंगा, कहने के साथ ही शुक्रा पलटा और केबिन से बाहर निकलता चला गया। इधर जैसे ही वेदी ने दरवाज़ा खोला, सामने राधा खड़ी थी। वेदी आशा नहीं कर सकता था कि इतनी जल्दी राधा फिर उसके सामने होगी। सामने देखकर सबसे ज़्यादा तो इसलिए हड़बड़ा उठा था कि भीतर अंजना मौजूद थी। राधा से क्या कहेगा कि अंजना कौन है और भीतर क्या कर रही है? राधा ने मस्ती भरे अंदाज में शरीर को बल दिया और अदा के साथ बोली, क्या हुआ विजय जी? विजय की पलकें ऐसी ही ली जैसे नींद से जागा हो। तुम? वेदी जबरन मुस्कुराया। मैं हैरान हो रहा हूँ कि तुम, इसमें हैरान होने की क्या बात है? आपने तो पते वाला कार्ड दिया तो हाजिर हो गई। पते वाले कार्ड पर पड़ोस का फ़ोन नंबर भी था। फ़ोन पर बात, अब फ़ोन पर बात करने की क्या ज़रूरत है? मैंने सोचा एक फेरा आपके घर के लगा कर तो देख ली कि कहीं घर में और बीवी तो ना ही रखे हो, सो हम आ गए। वेदी उसे देखता रहा, यूं ही उसकी गर्दन हिली। हमें भीतर भी तो आने दो, राधा ने गहरी सांस ली। यहीं खड़े रखोगे क्या दरवाजे पर? इससे पहले वेदी हटता, राधा उसे लेती हुई भीतर आ गई। तभी राधा की निगाह अंजना पर पड़ी तो उसके कदम जड़ हो गए, आंखें सिकुड़ गई। धक धक करता वेदी कभी अंजना को देखता तो कभी राधा को। वो जानता था कि राधा की तरफ से कभी भी कयामत आ सकती थी, उसके सिर के बाल भी नोच सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंजना ने जैसे सब कुछ संभाल लिया, वो जल्दी और बेहद मीठे अंदाज में हाथ जोड़ कर कह उठी, नमस्ते, आप राधा ही है ना? राधा का सिर हौले से हिला। फिर तो आप मेरी भाभी हुई, राधा भाभी। भाभी? राधा के होठों से निकला।
अंजना ने मुस्कुरा कर विजय को देखा। भैया, मेरी भाभी तो चांद जैसी है, जैसा आपने बताया था। इतना बढ़िया नगीना कहाँ से ढूंढ लिया? राधा के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ती चली गई। विधि ने मील भर लंबी सांस ली। उसे सब कुछ ठीक होता नजर आया। आप कौन हैं? राधा के होठों से निकला। मैं अंजना, विजय की चचेरी बहन हूँ, लेकिन सगी से भी ज़्यादा। ओह, तो आप क्या समझी थी भाभी? अंजना खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं समझी थी कि मैं बाहर की हूँ और तुम्हारी तरह भैया ने मुझे भी फांस रखा है। अंजना खिलखिला उठी। राधा के चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ गई। चिंता मत करना भाभी, अंजना छेड़ने वाले लहजे में कह उठी, तुम्हारे अलावा भैया ने किसी की तरफ आंख भी उठाई तो भैया की खैर नहीं। राधा के चेहरे पर शर्म के भाव उभरे। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी, कहकर अंजना जाने की हुई। राधा ने उसकी बाह पकड़ ली। रुकिए ना, आप कहाँ जा रही है? मैं तो काम से जा रही थी, भैया से मिलने के इरादे से यहाँ रुक गई। पहले से ही देर हो रही है, फिर मिलूंगी, अब मुझे जाना है। अच्छा भैया, कहने के साथ ही अंजना निकलती चली गई। बेदी को बड़ा अजीब लगा अंजना का व्यवहार। भैया, जिसकी गोदी में सैकड़ों बार बैठी हो, पचासों बार जिसके साथ बिस्तर पर सोई हो, रातें गुजारी हो, जिसके साथ औरत होने के नाते जाने क्या क्या किया हो, वो भैया, भाई बहन का रिश्ता, कहते हुए अंजना की जुबान जरा भी नहीं कांपी, कोई हिचक नहीं हुई। ऐसे भाई कह दिया जिसे वो वास्तव में बहन हो, क्या सोच रहे हो? राधा की आवाज़ पर वो ख्यालों से निकला। अंजना जा चुकी थी, कुछ नहीं बेदी के होठों से निकला। राधा आगे बढ़ी, खुले दरवाजे के पले बंद किए और पलटकर बिल्ली की तरह झपटी और बेदी से छिपक कर उसे चूमने चाटने लगी। बेदी सकपक आया। क्या कर रही हो प्यार? उफो, बैठो तो, ये बाद में हो जाएगा, पहले बताओ तुम यहाँ आई कैसे? कहने के साथ ही बेदी ने राधा को अपने से जुदा किया और कुर्सी पर बिठा दिया। राधा ने फोन पर सुनी सेठ पीसूरीलाल की सारी बातें बता दी। सुनकर बेदी के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। किस सोच में डूब गए विजय जी? कहीं नहीं, ये बात तो फोन पर कह देती, पड़ोस का नंबर कार्ड पर छपा था। जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्यों? अपने विजय जी को प्यार करने, राधा कहते हुए कुर्सी से उठी और बेदी से जा चिपकी। प्यार? बेदी हड़बड़ाया, ये तो शादी के बाद की बात, शादी के बाद तो होता ही है, पहले भी कर लेते हैं, क्या हर्ज है, हम हैं तो पति पत्नी ही, अभी नहीं, पहले वो कार, वो शादी, उसके बाद आप भी क्या बात करते हैं? मेरे सेठ जी सेठानी जी से ऐसी ही बातें करके टकराते हैं, मैंने छिप छिप कर सुना है। क्या? यही कि सोमवार को शिवजी का दिन है इसलिए प्यार नहीं करना, मंगलवार को हनुमान जी का है इसलिए नहीं करना, बुधवार को सेठ जी के कमर में मोच आ जाती है, रविवार को माता का दिन होता है इसलिए काम नहीं करना, शुक्रवार को सेठ जी को बहुत काम होता है, शनिवार को कुछ किया तो शनि देवता नाराज हो जाएंगे, रही बात रविवार की तो सेठ जी कहते हैं वो छुट्टी का दिन होता है इसलिए उन्हें आराम करने दिया जाए, आप भी कुछ सेठ जी की तरह ही बातें कर रहे हैं, जवान बनिए। जवान? हाँ, वो कैसे बना जाता है? ऐसे। उसके बाद राधा की चली। बेदी तो बात को समझने में ही लगा रहा और जब समझा तब समझने को काफ़ी कुछ भी नहीं रहा था। दरवाजे की झिरी से अंजना भीतरी हाल अस्पष्ट देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, अजीब सी मुस्कान, चेहरे पर व्यंग के भाव नाच रहे थे। शुक्रा को मालूम हो चुका था शाम को उदयवीर और राघव ने बेदी के पास आना है, इसलिए अपना काम जल्दी निपटने पर वो पहले ही बेदी के पास पहुंच गया। बहुत जल्दी आ गए, मालूम किया पिसोरी लाल अब अपनी सेफ को नए बंगले में ले जा रहा है। बेदी उसे देखते ही बोला, हाँ। बैठने के बाद शुक्रा ने गहरी सांस ली, वो शुक्रवार को सेफ नए बंगले में शिफ्ट कर रहा है, आज तो बुधवार है। वेदी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, मतलब कि हमारे पास सिर्फ दो दिन बचे हैं, आज का और कल का। हाँ शुक्रा, वेदी ने गंभीर निगाहों से उसे देखा, अब हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ कर सावधानी से करना है, हम अनाड़ी लोग हैं, पहली बार ऐसा काम करने जा रहे हैं, कभी कभी तो डर लगने लगता है,
डरना क्यों है विजय? लगता ही है बेदी बेचैन हो उठा। डरना है तो मौत से डर, जो 2 महीने बाद कभी भी आ सकती है। सुकरा गंभीर स्वर में कह उठा, तो जो भी कर रहा है अपनी मौत से बचने के लिए कर रहा है, इसलिए फिर डर कैसा? मैं बहादुर नहीं हूँ, जो बहादुर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जब जान पर बन आती है तो चींटी भी शेर से भीड़ जाती है। तेरी भी जान पर बनी हुई है, इसलिए अपनी जान बचा, डर को दूर कर दे। सुकरा दांत भींच कर का उठा। बेदी गहरी सांस लेकर रह गया। अब बात क्या करना है, हमारे पास कम वक्त है। सुकरा, पिसोरीलाल तिजोरी शिफ्ट करते वक्त साथ में गनमैन भी रखेगा, बेदी बोला। ओह, तेरे को कैसे पता चला? राधा आई थी, ओ बोली। कब आई? तेरे आने से पहले ही गई है। सुकरा ने गहरी निगाहों से बेदी को देखा। कहीं भाभी का हक तो नहीं मार गई? पूरा तो नहीं, थोड़ा सा हक ले गई है। यही तो गड़बड़ है, किसी को भी चैन नहीं। सुकरा ने मुंह बनाया। तो गनमैन भी साथ होंगे? वो तो होंगे ही, जब तिजोरी में इतना कीमती माल जा रहा है तो साथ में रखवाले भी तो होंगे। वो हमें गोली भी मार सकते हैं। वो यार ऐसा मत कहा कर, सुकरा का उठा। गिरने को तो ये छत भी गिर सकती है जिसके नीचे हम बैठे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, होने वाली बात मत किया कर, जो हो जाए वो बताया कर। तू मेरी बात को हवा में उड़ा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, तेरे को कह रहा हूँ कि आगे बढ़, बाद में जो भी होगा सामने आ जाएगा। दोनों कई पलों तक चुप रहे। विजय, सुकरा यूं बोला जैसे अचानक उसे याद आया हो। हाँ, जब कार देने गया तो गैराज पर राघव भी मौजूद था। ओ, क्या हाल है राघव का? भाड़ में जाए, जब हमें जरूरत पड़ी तो पीछे हट गया, हमें उसके हाल से क्या? सुकरा तीखे स्वर में कह उठा। उन दोनों का प्रोग्राम यहाँ आने का था, बोतल को लेकर। वो कभी भी आ सकते हैं, शाम हो चुकी है। उनके आने से पहले ही बात कर ली कि तिजोरी को कैसे उड़ाना है। बेदी ने बेचैनी से पहलू बदला। सोच रखा है कि अभी ये बात सोचनी है। सोच रखा है तो बता, कोई कमी पेशी हुई तो रात भर में सोच लूँगा। बेदी कहने को हुआ कि बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। सुकरा जल्दी से उठा, दरवाजे से बाहर झांका। उदयवीर की एम्बेसडर बाहर खड़ी थी। विजय, उदय और राघव आ पहुँचे हैं, पलटते हुए सुकरा ने उखड़े स्वर में कहा। आने दे, बेदी संभलता हुआ बोला। बहुत दिन बाद बोतल के साथ बैठने जा रहे हैं। बोतल गई कुएं में, सुकरा मुँह बना कर का उठा। और सुन, उन्हें कुछ मत बताना कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आज ही कई दिन बाद तुमसे मिला हूँ। नशे में बोल मत देना उन्हें कि परसों क्या होगा, वो हमारे काम नहीं आ सकते। ऐसे में उन्हें किसी बात की जानकारी देना हमारे लिए नुकसानदेह ही साबित हो सकता है। बेदी का हाथ सर के उस हिस्से में गया जहाँ भीतर गोली फंसी हुई थी। अगले ही पल उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। उदयवीर और राघव के कदमों की आवाज़ उनके कानों में पड़ने लगी थी। अगले दिन सुबह बेदी, अंजना और सुकरा के बीच गहरी खामोशी थी। दोनों पर निगाह मारते हुए बेदी गंभीर स्वर में कह उठा, तुम दोनों अब अच्छी तरह समझ गए होगे कि शुक्रवार यानी कि कल सुबह हमने काम कैसे करना है। अगले दिन सुबह बेदी, अंजना और सुकरा के बीच गहरी खामोशी थी। दोनों पर निगाह मारते हुए बेदी गंभीर स्वर में कह उठा, तुम दोनों अब अच्छी तरह समझ गए होगे कि शुक्रवार यानी कि कल सुबह हमने काम कैसे करना है, कैसे तिजोरी को अपने कब्जे में करना है। सुकरा और अंजना के सिर सहमति में हिले। जिस तरह तुमने बताया है उस तरह तो शायद हम काम कर जाए, सुकरा बोला। हाँ, लेकिन तुम दोनों अभी भी सोच लो, सफल होने के चांस कम और असफल होने के ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे कामों में हम बिल्कुल अनाड़ी है, पकड़े भी जा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि पकड़े जाने पर तुम दोनों मन ही मन मुझे कोसो कि मेरी वजह से फांसे। मैं, सुकरा उखड़े स्वर में कह उठा, बेकार की बात कहकर मूड खराब मत करो। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि कैसे मौके पर क्या बात करनी है? वेदी ने अंजना को देखा। मुझे क्या देखते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं पीछे हट जाऊँगी?
अंजना का उठी। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी भी जान देनी पड़ी तो वक्त आने पर यह भी देख लेना। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं कि देख भाई शुक्रिया अदा कर लेना, मना नहीं करूंगा, लेकिन पहले काम तो हो लेने दे। शुक्रा ने लापरवाही से कहा, ये बता तिजोरी को उड़ाने के बाद उसे रखना कहाँ है? इस बात पर मैंने सोचा है। बेदी ने सिगरेट सुलगा ली। सिर्फ रखने की मुझे एक ही जगह नज़र आती है। कौन सी? गांव में मकान है, वहाँ किसी को शक तो नहीं होगा कि शायद नहीं होगा, क्योंकि वो मकान मेरे माँ बाप ने कभी गांव से ज़रा हटकर खेतों में बनवाया था कि खेतों की रखवाली भी होती रहे। आमतौर पर लोगों का आना जाना उस तरफ नहीं होता, बेदी ने बताया। फिर तो जगह बढ़िया रहेगी, शुक्रा ने कहा। वहाँ लाइट का इंतजाम है? हाँ, लगभग हर चीज़ का इंतजाम है, बेदी सोच भरे स्वर में कह उठा। तब तो ये समस्या भी हल हो गई, अंजना बोली। इस काम में कार की जरूरत है, बेदी ने शुक्रा से कहा, और कार उदय की इस्तेमाल की जा सकती है। कहीं वो समझ ना जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसे कैसे समझेगा? उसकी कार तो जरूरत पड़ने पर हम अक्सर ले लेते हैं, बेदी ने कहा। शुक्रा ने अंजना को देखा। भाभी, हाँ आप कार तो अच्छी चला लेती है। हाँ क्यों? उदय के गैराज से कार ले आना, मैं उसके सामने नहीं पड़ना चाहता, वो हमारा साथ नहीं दे रहा। गुस्से में मुंह से कुछ निकल गया तो ठीक नहीं होगा, शुक्रा तीखे स्वर में कह उठा। ठीक है, कार मैं ले आऊँगी, अंजना ने सिर हिला दिया। शुक्रा ने बेदी को देखा। और कोई बात? बेदी ने बेचैनी से पहलू बदला। वो वैसे जरूरत तो नहीं है, बेदी के स्वर में हिचकिचाहट थी, लेकिन किसी मौके पर सामने वाले को डराने की जरूरत पड़ सकती है। किसी रिवॉल्वर का इंतजाम हो जाए तो ठीक रहेगा। रिवॉल्वर? अंजना ने बेदी को देखा। डराने के लिए चाकू ही बहुत रहेगा, विजय ठीक कहता है, शुक्रा गंभीर स्वर में कह उठा। हम अंधेरी गली में किसी को लूटने नहीं जा रहे हैं, जो कि चाकू से काम चल जाएगा, बड़ा काम करने जा रहे हैं। ऐसे में पास में रिवॉल्वर तो होना ही चाहिए कि वक्त आने पर सामने वाले को डराया जाए, हवा में गोली चलाई जाए। चाकू से आज का लोग डरते ही कहाँ है, किसी ने हमारी ही गर्दन पकड़ ली तो क्या होगा? बेदी के चेहरे पर व्याकुलता नजर आ रही थी। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो, अंजना ने इस मामले में कोई सिरदर्दी नहीं ली। बेदी और शुक्रा की निगाहें मिली। लेकिन रिवॉल्वर जैसी खतरनाक चीज़ का इंतजाम होगा कैसे? शुक्रा का उठा। इस मामले में तेरी तो कोई पहचान नहीं है, बेदी ने दोनों हाथ मलते हुए कहा। सच पूछो तो मैं ये भी नहीं जानता कि रामपुरी चाकू भी कहाँ मिलता है। वहाँ खामोशी छा गई। अंजना बारी बारी दोनों के चेहरे को देख रही थी। रहने दो, बेदी ने धीमे स्वर में कहा, रिवॉल्वर जैसी खतरनाक चीज़ का इंतजाम हम नहीं कर सकते। बात तो तुम्हारी ठीक है, ये हमारे बूते से बाहर की बात है, शुक्रा ने सोच भरे स्वर में कहा, लेकिन मैं देखूंगा कोई है, शायद उससे ऐसी कोई चीज़ मिल सके। कौन है वो? तुम नहीं जानते उसे, शुक्रा ने बेदी पर निगाह मारी। मामला अब कुछ कर गुजरने के किनारे पर आ पहुंचा था। शुक्रा अगले दिन सुबह ही रिवॉल्वर लेकर बेदी के पास पहुंच गया। ये देख, रिवॉल्वर भी मिल गई। कहां से? है एक मेहरबान, 10 साल पहले उसे मकान की खुदाई में मिली थी। खुरापाती दिमाग का है, छिपा कर रख ली, मुझे बताया हुआ था, मैं उसे ले आया। एक गली के दादे को जानता हूँ, उसे पैसे दिए तो रातों रात उसने 6 गोलियों का इंतजाम कर दिया। खोल कर देख ले, पूरे खाने फिट है। मुझे क्या पता कैसे खोलते हैं, बेदी के होठों से निकला। ये देख ऐसे, शुक्रा ने रिवॉल्वर खोल कर दिखाई। ले तू भी देख, बेदी ने रिवॉल्वर लेकर देखी। रिवॉल्वर हाथ में आते ही उसके हाथ कांप रहे थे। ऊपर नीचे हर तरह से उसने उसे देखा। वो पुरानी सी बदरंग सी थी, उसमें से तेल की खुशबू आ रही थी। जाहिर था कि उसे रगड़ रगड़ कर साफ करके चमकाने की कोशिश की गई है। ये बेदी ने शुक्रा को देखा, चलती भी है? मजाक मत कर यार, जरूर चलती होगी, आवाज़ तो कर ही देती होगी। हमने कौन से किसी की जान लेनी है, जरूरत पड़ी तो निकाल कर सामने वाले को दिखाना है ताकि वो डर जाए। वेदी रिवॉल्वर को देखता रहा।
उस पर हाथ फेरता रहा। अगले दिन शुक्रवार सुबह के 9 बजे पिसोरीलाल के बंगले के पोर्च में मीडियम साइज का बख्तरबंद ट्रक खड़ा था, जिसमें पिसोरीलाल की सेफ पड़ी नजर आ रही थी। ट्रक में ड्राइवर की बगल में 2 गनमैन मौजूद थे, जो सिक्योरिटी कंपनी से आए हुए थे। पिसोरीलाल ने पहचान वाले एसीपी से कहकर सेफ को सुरक्षित दूसरे बंगले में पहुंचाने के लिए 1 सब इंस्पेक्टर और 2 हवलदारों को बुलवा लिया था। सब इंस्पेक्टर जय नारायण, उसके कहने पर बख्तरबंद का खामखा खुला दरवाज़ा बंद किया गया, जिससे कि तिजोरी नज़र आनी बंद हो गई। अब वहां से चलने का समय हो रहा था। सेठ पिसोरीलाल सब इंस्पेक्टर जय नारायण को एक तरफ ले जाकर उसके हाथ में 5,000 की गड्डी थमाता हुआ मक्खन भरे स्वर में कह उठा, सस्पेक्ट साहब, यो छोटा सो तोहफा मारी तरफ से बच्चों के लिए। साथ ही उसने दांत दिखाए, रखो भाइयों रखो। रखना क्या, वो गड्डी तो पहले ही जय नारायण की जेब में फिट हो चुकी थी। भाइयों मारी तिजोरी का अपनी माँ की तरह ध्यान रखियो, जैसे तू अपनी माँ का ध्यान। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। सब इंस्पेक्टर जय नारायण मुस्कुराया, बाप तो होगा ना? नहीं, तब मैं पुलिस ट्रेनिंग में ले रहा था कि पीछे से बिना दावा दारू के मर गया। 4 दिन बाद तो मालूम हुआ कि अपने मकान में मरा पड़ा है। इसो का तो कोई भी जिंदा ना होगे। पिसोरीलाल मटके पर हाथ फेर कर बड़बड़ा उठा। सेठ जी, जय नारायण जेब में पड़ी गड़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला, आप तिजोरी की जरा भी फिक्र न करें, ये सही सलामत दूसरे बंगले पर पहुंच जाएगी। सच बोलो ना तू? हाँ सेठ जी, सेब का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। वो तो ठीक है, पिसोरीलाल ने सिर हिलाया, भाइयों मैं भी ट्रक में साथ ही चल लो हूँ, बेशक चलिए, ये तो और भी अच्छा रहेगा। पिसोरीलाल फौरन आगे बढ़ा और पुलिस जिप्सी में जा बैठा। दोनों हवलदार भी जिप्सी में बैठे, एक ने स्टेयरिंग संभाल लिया था। जब सब इंस्पेक्टर जय नारायण भी जिप्सी में आ बैठा, सब तैयारियों के पश्चात तिजोरी लिए छोटा सा ओ बख्तरबंद ट्रक और उसके पीछे पुलिस जिप्सी पिसोरीलाल के बंगले से बाहर निकलकर नए बंगले की तरफ रवाना हो गई। राधा की वजह से बेदी के पास पूरी खबर थी कि यहाँ क्या हो रहा है। उदयवीर वाली पुरानी एम्बेस्टर कार पर बेदी, सुकरा और अंजना अशोका रोड के चौराहे पर पहुंचे। तब 9 बज रहे थे और अंदाज के मुताबिक 9:30 बजे उस बख्तरबंद ट्रक ने यहाँ से गुजरना था। उन तीनों ने अपने अपने रंग रूप बदले हुए थे। बेदी ने मैला सा कुर्ता पैजामा पहन रखा था, शक्लो सूरत ऐसी बना रखी थी कि जैसे बरसों से बीमार हो। एक बारगी सीधे सीधे उसे पहचानना आसान नहीं था। शुक्रा ने चेहरे पर दाढ़ी मूछे लगा रखी थी, वदन पर मर्दाना कमीज सलवार था, एक कान में सोने की तिजोरी सी बाली फंसा रखी थी जो कभी उसकी माँ पहना करती थी। इसी से ही उसका रंग रूप बहुत बदल गया था। चेहरे पर वो पंजाब का लग रहा था। अंजना ने कमीज पजामी पहनी हुई थी, बालों में सुर्ख रंग का परांदा लगाया हुआ था। देखने पर वो जैसे शुक्रा की बीवी लग रही थी। तीनों के दिल जोरों से धाड़ धाड़ बज रहे थे। जो काम वे आज करने जा रहे थे, ऐसा करना तो दूर, ऐसा कुछ सोच कर उन्हें सोचा भी नहीं था। वक्त बीतने के साथ साथ उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। शुक्रा बेदी कार में बैठे नजरें दौड़ा रहा था। हाँ, अब क्या होगा? बेदी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। क्या होना है? शुक्रा ने उसे घूरा। मेरा मतलब है कि अपना मतलब अपने पास रख और काम की तरफ ध्यान दे। 9:30 बजने जा रहे हैं, शुक्रा ने स्वर को पक्का करके कहा। 9:30 बजने जा रहे थे, शुक्रा ने स्वर को पक्का करके कहा, जबकि संस तो ये था कि तिजोरी लूटने की सोचकर वो भी मन ही मन हड़बड़ा उठता था।
बेदी ने किसी तरह अपनी हालत पर काबू पाया, खुद को समझाया कि मौत तो गोली के रूप में उसके सिर में घर बनाए बैठी है। ऐसे में उसे डर कर काम नहीं करना चाहिए। सफल रहा तो आगे शांत और शानदार जिंदगी है, नहीं सफल रहा तो वैष्णो माता के सहारे। बेदी कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, पिसोरीलाल का बख्तरबंद आता ही होगा, साथ में पुलिस की कार है। तुमने ट्रक को देखते ही यहीं से कार घुमाकर यू टर्न लेते हुए जिप्सी को टक्कर मारनी है, सावधानी से काम करना। शुक्रा ने गंभीरता से सिर हिलाया। टक्कर ऐसी हो कि पुलिस कार को रुकना पड़े। बेदी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, रुकेगी। बेदी ने अंजना को देखा, टक्कर लगते ही शोर शराबा होगा, तू मैं होते ही तुम आगे हो जाना। औरत को सामने देखकर पुलिस वाले कुछ तो ढीले हो ही जाएंगे। ठीक है, अंजना ने व्याकुल भाव में सिर हिलाया, उस वक्त हमें थोड़ा सा वक्त गुजारना है, बाकी का मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। तुमने काम में सफल होना है। शुक्रा ने वेदी को देखा, इस बात को मत भूलना, क्यों तुम्हारे सिर में फंसी गोली तभी निकल सकती है, तभी तुम्हारी जान बच सकती है जब तुम मालूम है। गहरी सांस लेकर कहने के साथ ही बेदी कार के पास से हट गया। और फिर वो वक्त भी आया जब छोटे से बख्तरबंद ट्रक को चौराहे पर हो चुकी लाल बत्ती पर रुकते देखा। शुक्रा और अंजना सतर्क हो गए। चौराहे पर ग्रीन लाइट होते ही वो बख्तरबंद ट्रक आगे बढ़ा तो सड़क के दूसरी तरफ का डी स्टार्ट एम्बेसडर को शुक्रा ने आगे बढ़ाया। अंजना उसकी बगल में बैठी थी। शुक्रा का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था, पुलिसियों से टकरा रहा था, घबराहट और उत्तेजना के कारण गले में कांटे से चुभ रहे थे। डर लग रहा है, अंजना ने फीके स्वर में शुक्रा से कहा। जवाब में शुक्रा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी कार सड़क का एक हिस्सा पार करके ट्रक के पास पहुँच चुकी थी। ज्यों ही ट्रक सामने से निकला, शुक्रा ने उसी पल एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। कार तीव्र झटके के साथ ऐसे आगे बढ़ी जैसे चीते ने अपने शिकार पर छलांग लगाई हो और ट्रक के पीछे आ रही पुलिस जिप्सी से सीधे उसकी कार जा टकराई। जोरों से टक्कर की आवाज़ गूंजी। अभी तक तो वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। टक्कर लगते ही जिप्सी रुकी, उसकी कार भी रुक गई। दोनों को तीव्र झटका लगा था, ऐसे ही जिप्सी वालों के साथ हुआ था। जिप्सी चला रहे हवलदार का सिर विंड शील्ड से जा टकराया था। हैरत रही कि सिर और शीशा सलामत रहा। इस टिक्कर के लगते ही वाहन रुकने लगे। सब इंस्पेक्टर जय नारायण गुस्से में बड़बड़ाता हुआ जिप्सी से नीचे उतरा और दांत भींच कर आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर शुक्रा की कमीज का कॉलर पकड़कर उसे बाहर घसीट लिया। शुक्रा संभल भी नहीं पाया था कि एक के बाद एक उसकी ठुकाई होने लगी। तभी जल्दी से अंजना बाहर निकली और गला फाड़ कर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मार दीता मेरे आदमी को, ओ कोई है मेरे आदमी को बचा लो। अंजना का चीखना था कि वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे, रुकने वाले और वाहनों से भी लोग निकलने लगे। दो मिनट में ही भीड़ लग गई। अंजना गला फाड़ कर चीखती रही। सब इंस्पेक्टर जय नारायण अभी तक शुक्रा की ठुकाई कर रहा था। अंजना का रोना चीखना चिल्लाना बढ़ता जा रहा था। लोगों ने बीच में आकर जब नारायण को रोका, सब इंस्पेक्टर जय नारायण ने अपना पुलिसियापन दिखाना चाहा। गुस्से में उबलते उसने रिवॉल्वर निकालकर लोगों की तरफ कर दिया। उसकी इस हरकत से पब्लिक और भड़क उठी। हालात ये हो गए कि उन तीन पुलिस वालों से गुस्से से भारी भीड़ को संभालना कठिन हो गया। मामला तूल पकड़ने लगा। एक ने जब नारायण की रिवॉल्वर छीन ली, दूसरे ने उसे धक्का दिया। मुंह की लड़ाई तो कब से चल रही थी, भीड़ पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई जय नारायण के खिलाफ था। बख्तरबंद ट्रक भी कुछ आगे जाकर रुक गया था। उसके भीतर बैठे गनमैनों ने जब भीड़ का हाल देखा तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, तुम यहीं रहो, हम मामला संभाल कर आते हैं, एक गनमैन ने कहा। फिर दोनों गनमैन ट्रक से उतरे और भीड़ की तरफ बढ़ गए। कुछ कदमों के फासले पर खड़ी बेदी को जैसे इसी पल का इंतजार था। वहाँ से सड़क दाई तरफ जा रही थी जो सीधी माधोपुर जाती थी।
मुख्य सड़क पर तो ट्रैफिक जाम हो चुका था। ट्रक के पास पहुंचकर बेदी ने सावधानी से आसपास देखा, फिर ड्राइवर से कह उठा, बादशाहो ए गड्डी पिसोरीलाल का सामान ले जा रही है। आहो महाराज जी, ट्रक ड्राइवर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, तो फिर यहाँ क्यों जमे हो? पिसोरीलाल बुला रहे हुए तवाड़े सेठ जी ने बुलावा फेजावे। ड्राइवर ने पीछे लगी भीड़ पर नज़र मारी, बाबूजी गाड़ी छोड़ के जाना ठीक नहीं, तुसी गाड़ी की फिक्र मत करो जी, मैं खड़ा हूँ, तुसी जाओ, गल सुन जाओ, मैं वेकदा दा कि कौन गाड़ी नू हाथ नहीं लगा दावे, ए गल वे पक्का ठीक है, मैं हुने आदा। कहने के साथ ही वो ट्रक से उतरा, गाड़ी दा ध्यान रखना, चिंता ना करो बादशाह। वेदी ने धड़कते दिल के साथ ट्रक की बॉडी को थपथपाया। ट्रक ड्राइवर की भीड़ की तरफ बढ़ गया। वेदी की टांगों में जोरदार कंपन हुआ। आगे उसने जो करना था वो सोच कर ही बुरा हाल हो रहा था, लेकिन करना तो था ही, अपनी जान तो बचानी ही थी। उसने सूखे होठों पर जेब फेर कर आसपास देखा, कोई भी तो उसे नहीं देख रहा था, जबकि उसे लग रहा था कि जैसे सब उसे ही देख रहे हैं। उसके बाद बेदी ने एक पल की भी देरी नहीं की, वो उछला ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा, चाबी लगी थी, एक ही बार में ट्रक स्टार्ट हो गया। अगली ही पल उसने ट्रक को माधीपुर जाने वाली सड़क पर दौड़ा दिया। पीछे क्या हुआ उसने परवाह नहीं की, ओखली में सिर दे दिया था, परंतु पिसोरीलाल के चीखने चिल्लाने की अस्पष्ट सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। अरे रोको, कोई ट्रक को रोको, जा मेरे गाढ़े पसीने की कमाई है, कोई ट्रक को। वो सारी सड़क इस तरह घिरी पड़ी थी कि पुलिस चाहकर भी बख्तरबंद के पीछे न जा सकी। वहां खड़ी भीड़ ने उन्हें हिलने न दिया। उधर मौका देकर शुक्रा को अस्पताल ले जाने के बहाने अंजना ने शुक्रा को कार में बिठाया। चूंकि मामला अस्पताल जाने का था, इसलिए लोगों ने फौरन रास्ता छोड़ दिया और कार ले अंजना वहां से चलती बनी। शुक्रा की ठुकाई जरूर हुई थी, परंतु ऐसी नहीं कि अस्पताल जाने की या फिर डॉक्टर को दिखाने की भी जरूरत पड़ती। बहरहाल सब कुछ भूलकर उसे खुशी थी कि बेदी अपनी कोशिश में कामयाब हो गया था, अब उसका ऑपरेशन हो जाएगा, वो जिंदा बचा रहेगा। सोलापुर गांव, 500 घरों वाली आबादी का छोटा सा गांव, माधोपुर रोड पर ही स्थित था। गांव से जरा सा हटकर खेतों की जमीन पर मकान बना हुआ था। अब वहाँ खेतीबाड़ी नहीं होती थी, इसलिए जमीन बेकार पड़ी थी। उसके माँ बाप ने मकान खेतों के बीच इसलिए बनवाया था कि खेतों की रखवाली हो सके। जो मकान कभी आबाद हरा भरा रहता था, जहाँ गाय भैंसों को बांधा जाता था, अब वो वीरान पड़ा खंडहर की तरह लग रहा था। गाय भैंसों के लिए बनी नांद जिसमें भूसा डाला जाता था अभी मौजूद थी। नांद के ऊपर एक छप्पर था जो कोने से काफ़ी हद तक उधर चुका था। किसी तरह चार पांच बलियों पर खड़ा अपने अस्तित्व को टिकाए हुए था। भीतर की तरफ दो कोठरियां थी जो कभी गोदाम का काम किया करती थी। बेदी ने बख्तरबंद को इस तरह भीतर ले जाकर खड़ा किया कि बाहर से नज़र न आ सके। वैसे भी जगह उजाड़ थी, किसी गांव वाले ने देख लिया तो खास चिंता की बात नहीं थी। तब शाम के 5 बज रहे थे। बेदी बेचैनी से बख्तरबंद के पास ही टहल रहा था। उसे इंतजार था शुक्रा और अंजना का, जो अभी तक नहीं पहुंचे थे, जबकि उन्हें आ जाना चाहिए था, कहीं पुलिस ने उन्हें पकड़ न लिया हो। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था। एकाएक उसकी निगाह बख्तरबंद की तरफ उठी तो आँखों में चमक आ गई। अब मेरा इलाज हो जाएगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। बहुत रकम है तिजोरी में, बाकी की जिंदगी भी आराम से कटेगी, सब खुश रहेंगे, मेरे छोटे से घर में अंजना होगी, बच्चे होंगे, कहीं अच्छा सा मकान लूंगा, कोई चिंता उनके पास भी नहीं फटकेगी। तभी इंजन की आवाज़ कानों में पड़ी। बेदी फौरन आगे बढ़ा, उसने बाहर देखा एम्बेसडर कार पास आती जा रही थी। उन्हें आया पाकर बेदी ने मन ही मन चैन की सांस ली। भीतर आते ही शुक्रा बेदी के गले जा लगा, हम कामयाब हो गए विजय। हाँ, बेदी के स्वर में भी खुशी की झलक थी। तिजोरी देखी, अंजना का उठी, नहीं अभी तो बख्तरबंद का दरवाज़ा बंद है। बेदी मुस्कुराया, कोई जल्दी नहीं, सब कुछ अपने पास है और अपना है, बहुत जल्द हमारे सारे अरमान पूरे होंगे।
अंजना की चमक भरी निगाह बख्तरबंद पर टिक चुकी थी। बेदी आगे बढ़ा और बख्तरबंद दरवाजे के बाहर लटक रहे मोटे ताले को छूकर बोला, सुकरा इस ताले का क्या करे। सुकरा ने आगे आकर मोटे ताले को चेक किया, तभी अंजना का उठी, विजय तुम्हारे पास रिवॉल्वर है तो। वेदी ने उसे देखा, गोली चलाकर ताला तोड़ सकते हो। अंजना तेज स्वर में कह उठी, नहीं गोली चलाना ठीक नहीं होगा। वेदी ने सिर हिलाया, गोली की आवाज़ दूर दूर तक जाएगी, कोई गोली की आवाज़ पहचान कर इधर आ गया तो मामला और बिगड़ सकता है। तो फिर क्या करे, अंजना के होठों से निकला, तुम चिंता मत करो कोई रास्ता निकल आएगा। वेदी की निगाह ताले की तरफ उठी, इसे लोहे की आरी से काटना पड़ेगा, सुकरा ने कहा। आरी, बेदी की निगाह सुकरा पर गई, लेकिन आरी तो है नहीं, आ जाएगी बाजार से मिल जाएगी, बाजार तो शहर में गांव के बाजार में भी मिल जाएगी, आरी जैसी चीज़ हर जगह मिल जाती है, सुकरा ने कहा। ठीक है तुम जल्दी से आरी लेकर आओ, शाम हो रही है गांव की दुकानें जल्दी ही बंद हो जाती है। सुकरा फौरन बाहर निकल गया। बेदी और अंजना ने जरूरत का वक्ती तौर पर इस्तेमाल होने वाला सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया था और झाड़ू सफाई करके मकान को रहने लायक बना लिया था। बल्ब जल रहा था लेकिन वोल्टेज कम होने के कारण वो लालटेन जैसा ही लग रहा था। बेदी और अंजना कमरे की एक ही चारपाई पर लेटे हुए थे। अंजना का सिर बेदी की छाती पर था, बेदी उसके बालों में उंगलियाँ फिराते छत को देखे जा रहा था। सुकरा को गए देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं लौटा था। क्या सोच रहे हो डियर, अंजना उसकी छाती पर हाथ फेर कर बोली। बेदी सोचों से बाहर आया और अंजना के गालों को थपथपा कर कह उठा, जाने की हुई ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जैसे काम करके अपनी आत्मा पर कोई बोझ रख लिया हो, मन में जाने की डर सा आ गया है। पिसौरीलाल की तिजोरी छीन कर ठीक नहीं किया, ये उसकी खून पसीने की कमाई है। और अंजना हड़बड़ा कर उठ बैठी, इसमें तुम्हारी जान बंद है, उका उठी। तुम ठीक कहती हो, बेदी भी उठ बैठा, मुझे सिर्फ 12 लाख की ज़रूरत है और तिजोरी में करोड़ों से कम के जेवरात नहीं है। मैं पिसौरीलाल से मिलकर उससे बात करता हूँ, वो मुझे 12 लाख दे दे ताकि मैं ऑपरेशन करा लूँ और उसकी तिजोरी उसे वापस दे दूँगा, नहीं तो उसकी हालत, पागल तो नहीं हो गई हो तू, अंजना के होठों से निकला। अंजना को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डंडा उठाकर उसके सिर पर मार दिया हो या उसकी जायदाद पर डाका डाल दिया हो। इसमें पागल की क्या बात है, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, अंजना खींच भरे स्वर में कह उठी। हमने इतना खतरा उठाकर तिजोरी हासिल की है और तुम उसे लौटाने की बात कर रहे हो, इसमें आत्मा पर बोझ डालने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये काम किया क्योंकि इससे तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन विजय तुम घबरा रहे हो, कायरों वाली बात कर रहे हो, अंजना की आवाज़ में खींच के भाव थे। शायद हो सकता है क्योंकि मैं कभी भी बहादुर नहीं रहा, बेदी थके स्वर में का उठा। अंजना ने बेदी को गहरी निगाहों से देखा, बात को समझो विजय, जो हमने किया है वो बच्चों का खेल नहीं है, आगे निकल आए हैं जहाँ से वापस नहीं जाया जा सकता, खुद ही सोचो, सेठ पिसौरीलाल तुम्हें 12 लाख क्यों दे देगा, पागल है वो सीधा हमारी खबर पुलिस को देगा और हम जेल में होंगे, ये सब मजाक नहीं है। अंजना पर नज़र मारकर बेदी ने पहलू बदला, अंजना उसके जख्मों पर मरहम लगाते कह उठी, तुम क्या समझते हो ये सब करके मुझे या सुकरा को बहुत खुशी हुई है, हमने तुम्हारा साथ दिया है विजय, तुम्हारे लिए ही तो ये गलत काम किया कि तुम बच सको, तुम मेरा प्यार हो विजय, प्यार जिसके सहारे मैंने सारी जिंदगी बितानी है, जाने कितने सपने देख रखे हैं मैंने, क्या मेरे सपनों को पूरा नहीं होने दोगे, मैं हर कीमत पर तुम्हारा ऑपरेशन करवा कर रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, ये तो कुछ भी नहीं, देखना अगर कभी मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो पहले मैं दूँगी, शुक्र भैया बाद में ही दे पाएंगे। अंजना बेदी का स्वर कांप उठा, विजय मेरे प्यार, अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, बेदी की आँखों में पानी था, आंसू थे और अंजना की आंखों में अजीब सी चमक नाच रही थी। सुकरा 8 बजे लौटा, आरी के 4 ब्लेड और खाने पीने का सामान वो अपने साथ लाया था, लेट होने की एकमात्र वजह ये रही कि खाना
पैक कराने के लिए बढ़िया होटल की तलाश में दूर चला गया था। वहाँ मौजूद बर्तनों को अंजना धोकर साफ कर चुकी थी। वो खाना डालने लगी। वेदी और सुकरा बख्तर बंद ट्रक का ताला आरी के ब्लेड से काटने लग गए। इसी दौरान काम छोड़कर उन्होंने खाना खाया। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद वो ताला काटा गया। तीनों के चेहरे पर खुशी ही खुशी नजर आ रही थी। ट्रक का दरवाजा खोला गया। वहाँ फैली मध्यम रोशनी में भीतर पड़ी वो तिजोरी नजर आई। अंजना तो जैसे पागल हो गई। वो ट्रक के ऊपर चढ़कर सेब के पास जाना चाहती थी, परंतु अपनी इस हरकत पर उसने काबू पाया। उसके बाद तीनों कमरे के भीतर सिर से सिर जुड़कर बैठ गए। मुद्दा था तिजोरी कैसे खोली जाए। इधर सब इंस्पेक्टर जय नारायण सिर से पांव तक झुंझलाहट में भरा पड़ा था। जब से तिजोरी वाला ट्रक कोई ले भागा था, तब से होठ सख्ती से बार बार भींच रहे थे। ऑफिसरों को जवाब देना उसे भारी पड़ रहा था। उसने सोलापुर और माधोपुर वाली सड़क को अच्छी तरह छान मारा था। वो भूस में से सुई ढूंढने जैसा काम कर रहा था और सुई यानी कि ट्रक ले जाने वाले कहीं नहीं मिले। ऑफिसरों से बात करने में वो बच रहा था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और वो पिसोरीलाल के बंगले पर मौजूद था। पिसोरीलाल का चेहरा पीलेपन की हद को भी पार कर रहा था। लग रहा था जैसे बरसों का मरीज हो और ढूंढने पर भी दवा ना मिली हो। चेहरे की रौनक दूसरे शहर जा चुकी थी। सूखे होठ बार बार चिपक रहे थे और होठों के कोनों में झाग चमकने लगती थी। सेठ जी, सब इंस्पेक्टर जय नारायण अपनी झुंझलाहट पर काबू पाकर कह उठा, मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि आपकी तिजोरी ले उड़ने में किसी बीच के बंदे का हाथ था। वो जानता था कि तिजोरी के लिए क्या क्या सिक्योरिटी है, हमने किस किस रास्ते से गुजरना है। सब कुछ ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपना काम किया है। इट इज़ अ इनसाइड जॉब। आपके ही किसी आदमी ने तिजोरी लूटने वालों को सारे प्रोग्राम के बारे में बताया है। आप सोचकर बताइए कि ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है। नहीं भाइयों, मारे पास कोई आदमी ही ना होवे तो बतावे कौन। मारे साथ तो तू था, थारे साथ तो पुलिस वाले थे, ये आदमी थे मारे पास तो। प्लीज सेठ जी, 1 करोड़ से ऊपर का मामला है, जो पूछ रहा हूँ उसका सोच समझ कर जवाब दीजिए। हम तिजोरी की सुरक्षा के लिए मौजूद थे, उसे लूटने के लिए नहीं। का मालूम कौन किस वास्ते मौजूद हवे। पिसोरीलाल कल्पे स्वर में कह उठा, बंगले में तो मारो एक नौकरानी राधा हवे, बेटी की तरह हवे, हम उसी के बाप की तरह हवे। ओका किसी से बात करे। और कौन है बंगले में। दरबान है, उसो पर भी मारो को कोई सको नहीं। वो तो कब से मारी सेवा करो, मारे को उन पर घना विश्वास हवे। ईसो के अलावा मारे पास कोई और न होवे सको करने के वास्ते। आपके परिवार वाले। परिवार के नाम पर तो मारी सोनी सोनी बीवी हवे, जो मायके में अपने दिमाग का इलाज करावे हो। वो पागल है क्या। पागल हो थारी बीवी। मारी बीवी के दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ हवे, कभी ठीक हो जावे कभी नहीं। तभी राधा वहाँ चाय लेकर आई। जब नारायण ने गहरी निगाहों से राधा को देखा, उसकी पैनी निगाह राधा के जिस्म पर फिरी, उसके हाव भाव देखे, जाने की उसे राधा से पूछताछ करने की जरूरत सी महसूस हुई। राधा चाय रख कर चली गई। सेठ जी, मैं आपकी नौकरानी राधा से पूछताछ करना चाहता हूँ। जब जय नारायण बोला, किस वास्ते भाइयों। ये पूछताछ हमारी रूटीन पूछताछ होती है, यो रूटीनों बाद में दिखाओ, पहले हमारी तिजोरी लेकर आ। पिसोरीलाल गुस्से में कह उठा, थारे को अपनी नौकरी की परवाह हवे कि नहीं, तुम्हारे को जाने ना, हम थारे को नचा कर रख देवे। हमारी तिजोरी न मिलो तो हम थारा ओ हाल करके कि तुम मरी सकल भी फिर कभी ना देखना चाहो। सेठ जी, मैं आपकी तिजोरी ढूंढ रहा तो ढूंढो ना भाइयो, मारे बंगलों में मारे सिरों पर क्यों खड़ा होवे। पिसोरीलाल झुंझला कर का उठा, मैं आपकी नौकरानी राधा से हम थारे को कह चुके, वो मारी बेटी हवे, तो जाकर मारी तिजोरी को ढूंढ। जब तन्ने मारी तिजोरी मिलो तो आके राधा से भी पूछताछ कर ले। अब जाओ यहाँ से। सब इंस्पेक्टर जय नारायण ने नापसंदी निगाहों से पिसोरीलाल को देखा। मैं आपसे फिर मिलूँगा सेठ जी, जरूर मिलियो भाइयो पन तिजोरी के साथ, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लोगों का पैसा कौन देगा। पिसोरीलाल ने फीके स्वर में कहा।
चेहरे पर उजरापन अस्पष्ट बरस रहा था। ये बात तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि पिसुरीलाल किसी भी सूरत में तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर नहीं बताएगा। बेदी अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। मेरा भी यही ख्याल है, अंजना कह उठी, और नंबर नहीं बताएगा। मैं पिसुरीलाल को उठाकर यहाँ ले आता हूँ, देखता हूँ साला कैसे नहीं बताता, शुक्रा कह उठा। इस बात का कोई फायदा नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो बाद में देखा जाएगा, बेदी बोला। तो फिर तिजोरी कैसे खुलेगी? मेरे ख्याल में 2-3 दिन तक हेडक्वार्टर से सेठ पिसुरीलाल की सेफ की फाइल ऑफिस के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच जाएगी। उस फाइल से तिजोरी के कॉम्बिनेशन नंबर को आसानी से जाना जा सकता है। वो फाइल देखेगा कौन? मैं। ऑफिस में मेरा आना जाना है, मैं आसानी से उसे देख सकता हूँ। तो 2-3 दिन तक हम क्या करें? अंजना ने उसे देखा, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। बात तो सोचने वाली है, शुक्रा ने फौरन सिर हिलाया। करीब मिनट भर उनके बीच खामोशी रही। मेरे ख्याल में अब हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसा तो आ ही गया है, बेदी ने दोनों पर सोच भरी नज़र मारते हुए कहा। 2-4 दिन में तिजोरी खुली जाएगी, उसके बाद ऑपरेशन के लिए हमें डॉक्टर बधावन की जरूरत पड़ेगी। सोचने की बात यह है कि इस तरह तिजोरी ले भागने के बाद क्या सीधे सीधे डॉक्टर बधावन से ऑपरेशन कराया जा सकता है? क्या मतलब? हो सकता है किसी तरह ये बात खुल गई हो कि इस काम में हमारा हाथ है, या फिर 1-2 दिन में पुलिस को मालूम हो गया तो मैं ऑपरेशन कैसे करवा सकूँगा, बेदी ने गंभीर स्वर में कहा। तो यूं ही डर रहे हो विजय? अंजना बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ ऐसा हो गया तो क्या होगा? नहीं होगा, ये तो मैं भी कह सकता हूँ। शुक्रा और अंजना की नज़रें मिली। तुम कहना क्या चाहते हो? खुद को बचाने के लिए सिर में फंसी गोली निकालने के लिए? एक अपराध तो हम कर ही चुके हैं, बेदी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। ऐसे में एक अपराध और कर लिया जाए तो क्या हर्ज है? क्या मतलब? अंजना के होठों से निकला। विजय, शुक्रा गंभीर स्वर में बोला, एक एक अपराध करके ही 100 अपराध बन जाते हैं। कहने को एक अपराध होता है और जब गिनती की जाती है तो लंबी लिस्ट बन जाती है। मुझे नहीं मालूम तुम क्या करने की सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा कि कोई और गलत काम करो, बेदी कुछ नहीं बोला। तुम कहना क्या चाहते हो विजय? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिजोरी खुलने के बाद भी 12 लाख लेकर डॉक्टर बधावन के पास नहीं जाया जा सकता, कैसी भी मुसीबत गले पड़ सकती है। इसलिए जो 2-3 दिन का वक्त हमारे पास है उसे इस्तेमाल करते हुए किसी तरह डॉक्टर बधावन को उठाकर यहाँ रख ले। यहाँ? हाँ, बेदी ने सिर हिलाया, उसे यहाँ भी ऑपरेशन कराया जा सकता है। उसे जिस सामान की जरूरत होगी उसका इंतजाम उसे कर दिया जाएगा। इस तरह हम किसी तरह के फालतू के खतरे में नहीं पड़ेंगे। यहाँ ऑपरेशन वाली बात अंजना को बचकाने लगी, लेकिन वो खामोश रही। बात तो तुम्हारी ठीक है, शुक्रा का उठा, तो बघावन को उठाकर यहाँ लाया जाए, बेदी ने व्याकुल निगाहों से उसे देखा। हाँ, आगे काम करने में आसानी होगी, शुक्रा ने कहा, लेकिन पहले की तरह इस बार उसकी कार को नहीं रोका जा सकता। वो इस मामले में सावधान हो गया होगा, कोई और रास्ता निकालना होगा, बेदी सिर हिलाकर रह गया। अंजना इस मामले में कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह ही बेदी और शुक्रा एम्बेसडर पर सवार होकर शहर चल पड़े। डॉक्टर बधावन के बारे में बारीकी से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि आज शाम देश विदेश के डॉक्टरों का सम्मेलन हो रहा है, बधावन ने उस सम्मेलन में हासिल होना है। दोनों ने डॉक्टर बधावन के इंतजार में सारा दिन गुजार दिया। दिन ढलने पर बधावन सम्मेलन वाली इमारत में पहुँचा। दोनों ने उसे कार में आते देखा, वहाँ तो जैसे मेला लगा हुआ था। कार में कारें आ रही थी, डॉक्टर उतर कर इमारत में प्रवेश करते जा रहे थे। हमें डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार करना होगा, शुक्रा बोला। हाँ, बेदी ने इधर उधर देखा, पार्किंग में खड़ी उसकी कार के पास चलते हैं ताकि जब वो आए तो हमें उसी वक्त मालूम हो जाए, रास्ते में कहीं उसका अपहरण करेंगे। इस काम में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ड्राइवर के साथ वो अकेला ही आया है। रात के 11 बजे डॉक्टर बधावन अपनी कार तक पहुंचा, साथ में 2-4 लोग थे जो उसे कार तक छोड़ने आए थे। अपनी कार में विदा होकर बधावन वहां से चल पड़ा। दोनों ने एम्बेसडर से पीछा किया।
दोनों ने एम्बेसडर पीछे लगा दी, परंतु बागहावन की नई कार का मुकाबला वो एम्बेसडर क्या करती? ये कार है या खटारा? बेदी ने मुंह बनाकर कहा। मैकेनिक की कार है, इतना भी बहुत है कि सरक रही है, सुकरा कड़वे स्वर में बोला। अब क्या करें? मेरे ख्याल में चिंता की कोई बात नहीं, सुकरा बोला। बदहावन का घर मैंने देखा हुआ है, वो अपने बंगले पर ही जा रहा है, वहीं पर देखते हैं कि उसका क्या किया जा सकता है। पागल हो क्या? बंगले से उसे उठाओगे क्या? बेदी हड़बड़ा कर उठा। कुछ तो करना ही पड़ेगा सुकरा, बंगले में घुसकर बदहावन को उठाना मेरे बस की बात नहीं है, बेदी की आवाज़ में घबराहट थी। तेरे बस में कुछ है भी? सुकरा झुंझला उठा। जवाब में बेदी खामोशी से गहरी सांस लेकर रह गया। विजय, सुकरा कुछ पलों बाद बोला, दरअसल हम लोग शरीफ हैं, ऐसे काम हमने कभी किए नहीं। फिर किए नहीं क्या? करने को कभी सोची भी नहीं, कभी ऐसा करने का सपना भी नहीं आया, और वही काम हमें करने पड़ रहे हैं, तो घबराहट होना तो लाजमी है। लेकिन इन कामों को हम तभी अंजाम दे पाएंगे जब अपने में हौसला हिम्मत रखेंगे। हिम्मत हौसला ही तो नहीं है, बेदी थके स्वर में कह उठा। सुकरा ने कार ड्राइव करते उसे देखा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। वो बहुत बड़ा बंगला था जो डॉक्टर बदहावन का था। बदहावन की कार उसी बंगले में खड़ी थी, वो बाहरी गेट से ही अस्पष्ट नजर आ रही थी। पोर्च में हल्की सी रोशनी में कार चमक रही थी। गेट के भीतरी तरफ स्टूल पर चौकीदार बैठा था, पास ही में लकड़ी का केबिन बना हुआ था। इसके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। बेदी और सुकरा ने हर तरफ देख लिया था। बंगले के दो तीन कमरों की लाइटें रोशन थी। बेदी और सुकरा सब कुछ देख समझकर एक तरफ सरक गए। अब क्या किया जाए? बेदी फुसफुसाहट भरे लहजे में कह उठा। डॉक्टर बदहावन पर हाथ डालना है और क्या, लेकिन वो तो बंगले में है, उसे किसी तरह बंगले से बाहर निकालना होगा। सुकरा के स्वर में सोच के भाव थे। वो पागल है जो रात को 12 बजे बाहर निकलेगा, बेदी बोला। अब तो नींद लेने की तैयारी में होगा। बेदी, ये बंगला ऐसा बना है कि इसके भीतर जाकर किसी को उठाना नहीं लाया जा सकता, सुकरा का उठा। डॉक्टर पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि उसे बंगले से बाहर निकाला जाए। वो इस वक्त बंगले से बाहर नहीं निकलेगा। मैं कब कह रहा हूँ, क्यों निकलेगा? उसे निकालना पड़ेगा, कोई रास्ता सोच। बेदी ने सिगरेट सुलगा ली। दो चार कस मुझे भी दे देना, सुकरा ने इधर उधर देखते हुए कहा। आधी सिगरेट समाप्त होने पर बेदी ने सिगरेट सुकरा की तरफ बढ़ा दी। सुकरा, एक रास्ता है डॉक्टर को बाहर निकालने का। क्या यहाँ कहीं फ़ोन बूथ होगा? है, सड़क के कोने में है। क्यों? तेरे को डॉक्टर के बंगले का फ़ोन नंबर मालूम है? उसकी बात पर ध्यान न देकर बेदी बोला, हाँ, उसके क्लिनिक पर सब नंबर मेरे दिमाग में है। जब बदहावन के बारे में छानबीन की थी तब उससे पहले फ़ोन नंबरों के बारे में ही जानकारी मालूम की थी। इस बंगले का नंबर बता। बदहावन के बंगले का फ़ोन नंबर बताकर सुकरा ने उलझन भरे स्वर में पूछा, लेकिन तू करना क्या चाहता है? सुकरा, डॉक्टर सम्मेलन से लौटा है, यूँ समाज कि रास्ते में एम्बेसडर भरा है। अब उसी एम्बेसडर के सिलसिले में थाने से फ़ोन आता है तो डॉक्टर क्या करेगा? बेदी ने सोच भरे स्वर में कहा। सुकरा उसे देखने लगा। बता, क्या करेगा? पुलिस को आने के लिए कह देगा कि यह आकर बात हो सकता है। वो खुद ही पुलिस स्टेशन आए, और मेरे ख्याल में इस वक्त वो बंगले से निकलना पसंद नहीं करेगा। देखते हैं, मैं पुलिस वाला बनकर फ़ोन पर उससे बात करता हूँ, तो कार तैयार रख। बेदी ने फ़ोन पर बूथ से डॉक्टर बदहावन से बात की। आवाज़ को थोड़ा सा बदल कर बात की कि नहीं, उसकी आवाज़ को वो पहचान न ली। हेलो, बदहावन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सॉरी डॉक्टर बदहावन, बेदी फौरन संभाल कर बोला, रात के इस वक्त आपको तकलीफ थी। वैसे मुझे इंस्पेक्टर अशोक लाल कहते हैं, मैं पासी के थाने का इंचार्ज हूँ। कहिए, इस वक्त मुझसे क्या काम पड़ा? डॉक्टर, आप कुछ देर पहले बाहर से लौटे हैं, बेदी एक एक शब्द संभाल कर बोल रहा था। जी हाँ, सम्मेलन से अभी लौटा हूँ, और आप जैसे डॉक्टर से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सड़क पार करते बेचारे बूढ़े को कार से टक्कर मार कर यूँ फेंक दिया, और दोबारा उसका हाल भी नहीं पूछा और आगे निकले। मैं
ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर, कि मेरी कार ने एक्सीडेंट किया? मधावन का तेज स्वर वेदी के कानों में पड़ा। आपको किसी ने गलत खबर दी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जानता था जो एमबे एक्सीडेंट करके भागेगा वो ऐसा ही कहेगा, लेकिन दो गवाह हैं जिन्होंने आपकी कार का नंबर नोट ही नहीं किया बल्कि आपको भीतर बैठे भी देखा, वे आपको पहचानते भी हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि वो गवाह झूठे हैं? कार से डॉक्टर बधावन बेदी के स्वर में सख्ती आ गई। अभी बात हद में है, ले देकर मामला दबाया जा सकता है। बेहतर होगा आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, नहीं तो मैं जीप भरकर पुलिस वालों को आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजता हूँ। क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? मुझे क्यों नहीं कर सकता? आप बूढ़े व्यक्ति को टक्कर मार कर भाग सकते हैं तो मैं आपको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकता? ये बात पहले ही बता दूँ कि आपकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस कार आपके बंगले पर आएगी वो सायरन बजाती आएगी ताकि आपके आसपास रहने वालों को भी मालूम हो जाए कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। इंस्पेक्टर वधावन का झल्लाहट से भरा स्वर कानों में पड़ा। मेरी पहुंच ऊपर तक है, होगी, लेकिन वो पहुंच इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप कार से लोगों को कुचलते रहे। तुम गलत कह रहे हो इंस्पेक्टर, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, देखूँगा तुम्हारी ड्यूटी को भी और मैं तुम्हें। आपको जो करना हो कर लीजिएगा, विधि नीति के स्वर में कहा। इस वक्त आप सराफत से पुलिस स्टेशन आ रहे हैं या मैं आपकी गिरफ्तारी के लिए सायरन बजाती कार को? मैं आता हूँ, बधावन की आवाज़ में गुस्सा भरा था। विधि ने रिसीवर रखा और बूथ से बाहर आ गया। आंखों में चमक लिए वो सुकरा के पास पहुँचा। क्या रहा? बधावन बंगले से बाहर आ रहा है। विधि कार में बैठता हुआ का उठा। कैसे तैयार किया उसे? अंदाज से डंडा घुमाया था, इत्तेफाक से पूरा घूमकर निशाने पर बैठा। तैयार रहा, वो बाहर निकलने वाला होगा। 10 मिनट में डॉक्टर बधावन कार पर बंगले से निकला, जो खुद ही कार चला रहा था। कार में अकेला है, बेदी की होठों से निकला। ड्राइवर को साथ ले जाने की जरूरत नहीं समझी होगी। सुकरा उसके पीछे कार डालता हुआ बोला, साले को गर्दन से पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं इसे। मोड़ काटते ही आगे कार थी। बधावन फौरन कार पर कंट्रोल नहीं कर सका, उसकी कार सामने खड़ी कार से जा टकराई। अपना माथा कार की बॉडी से लगा तो होठों से कराह निकल गई। बधावन ने खुद को संभाला और गुस्से में बाहर निकला। तभी कार की ओर से बेदी और सुकरा निकल कर सामने आ गए। कम रोशनी में भी बधावन ने उन्हें पहचाना और चौंक पड़ा। तुम? उसके होठों से निकला। हाँ, बेदी ने शांत स्वर में कहा, मैंने ही फ़ोन करके तुम्हें बंगले से बाहर निकलवाया है। क्यों? इसका जवाब बाद में। बेदी ने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली। कार में बैठो, तुम मेरा अपहरण कर रहे हो, वधावन गुस्से से चीखा। हाँ, सुकरा पास आया। कार चल, कार में बैठ। तुम क्या सोचते हो कि रिवॉल्वर के दम पर तुम मुझसे ऑपरेशन करवा लोगे? वधावन उखड़ा पड़ा था। रिवॉल्वर के दम पर तेरे को साथ ले जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत कर, ऑपरेशन तेरे से नोटों के दम पर ही कराएंगे, कहते हुए शुक्रा ने उसकी बाह पकड़ी। कार में बैठ। बधावन ने व्यंग भरी निगाहों से दोनों को देखा। तुम दोनों को मेरी जरूरत है, इसलिए रिवॉल्वर दिखाकर मुझे डराओ मत। जो बात करनी हो सीधे सीधे करो, मेरा वक्त खराब करने का कीमती वक्त तुम लोगों ने खराब किया है। इस वक्त यहाँ पर हमें तेरे से कोई बात नहीं करनी है, डॉक्टर बेदी बोला। तो हम तेरे को ले जाने आए हैं, बातें बाद में होगी। मैं नहीं जा सकता, बधावन दांत भींच कर का उठा। सुबह मुझे ऑपरेशन करना है, जरूरी ऑपरेशन है, मेरा वक्त और दिमाग खराब मत करो, कहने के साथ ही वो अपनी कार की तरफ पलटा। लेकिन शुक्रा ने सख्ती से उसकी बाह पकड़ी हुई थी। छोड़ो मुझे, बधावन ने दांत भींच कर कहा। शुक्रा ने बेदी को देखा, प्यार से तो नहीं मानता, ये जबरदस्ती कार में डालना पड़ेगा, कहने के साथ ही शुक्रा ने डॉक्टर बधावन को खींचा और जबरदस्ती एम्बेसडर को पीछे वाली सीट पर धकेल कर उस पर सवार हो गया। बधावन चीखता चिल्लाता ही रहा। बेदी ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार आगे बढ़ा दी। वक्त क्या हुआ है? शुक्रा ने पूछा। 1:30 बजा है, दिन और रात पूरी खराब हो गई इसे पकड़ने में, वेदी ने गंभीर स्वर में कहा। कोई बात नहीं, हाथ में तो आया, मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करूँगा, बधावन चीख उठा, कभी नहीं करूँगा। चुप, शुक्रा ने दांत फींच कर कहा, ऑपरेशन करके गोली तो तेरा बाप भी निकालेगा। रात के 3 बज रहे थे,
अंजना की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कभी वहां पड़ी चारपाई पर लेट जाती तो कभी उठकर टहलने लगती। उसके मस्तिष्क में बेदी और सुकरा थी कि कहीं वो डॉक्टर बाधावन को उठाने के चक्कर में कोई नई मुसीबत ना मोल ले ले। इस दौरान वो जाने कितनी बार छप्पर के नीचे खड़े ट्रक का फेरा लगा आई थी कि वहाँ सब ठीक है। तिजोरी को हसरत भरी निगाहों से देखा थी। अगर तिजोरी खुली होती तो बात ही कुछ और थी। जब तक ये बंद है तब तक उसके लिए बेकार है। वातावरण में झिंगुरू की आवाजें गूंज रही थी। कभी कभार गांव के कुत्तों के भौंकने या कराहने की आवाज कान में पड़ जाती थी। सुबह से वो दोनों गए थे और अब रात भी बीतने पर थी। तभी उसके कानों में इंजन की आवाज़ पड़ी जो कि दूर थी, लेकिन वो सतर्क हो गई। उसे समझते देर न लगी कि बेदी और शुक्रा ही आए हैं। वो तेजी से मकान के रास्तों को तय करती बाहरी द्वार पर आ खड़ी हुई। दूर उसे कार की हेडलाइट दिखी जिसे उसने पहचान लिया कि उसी एम्बेसडर की हेडलाइट है। व्याकुल निगाहों से कार को वापस आते देखती रही। पास आकर कार रुकी, दरवाज़ा खोला, बेदी निकला। पीछे वाले दरवाजे से शुक्रा किसी व्यक्ति के साथ बाहर निकला। शुक्रा ने उसकी बाह पकड़ रखी थी, चंद्रमा की रोशनी में अस्पष्ट नजर आ रहा था। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, डॉक्टर बाधावन ने चीख कर कहा, पुलिस में दे दूंगा तुम। चुप, शुक्रा गुर्राया, नई बात बोल, कान पक गए हैं मेरे वही शब्द बार बार सुनते हुए। अभी भी वक्त है, छोड़ दो मुझे। मैं फिर बोला तो, मैंने सुबह जरूरी ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन बोलता रहा। वो लोग उसे पकड़कर आगे बढ़े। दरवाजे पर अंजना को खड़ी पाकर डॉक्टर बाधावन ठिठका, ये लड़की भी तुम्हारे साथ है? कोई कुछ ना बोला, तो पूरा गैंग है तुम लोगों का, देखना तुम लोगों का हाल। पीछे से शुक्रा ने धक्का दिया तो बाधावन लड़खड़ाता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। धीरे, बेदी बोला, अभी गिर जाना था उसने। गिरने दे, साला बकवास ही किया जा रहा है, शुक्रा ने चिढ़कर कहा। बेदी आगे बढ़कर डॉक्टर बाधावन के पास पहुंचा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें तुम्हें उठा लाए हैं और अब छोड़ने वाले नहीं, बेदी ने सख्त स्वर में उसे समझाना चाहा। अच्छा यही होगा कि चीखना चिल्लाना छोड़ दो और जो हम कहें उस सराफत से करो। तुम गलत सोचे हो कि मैं तुम लोगों की बात मान लूँगा, बाधावन उखड़े स्वर में कह उठा। बात तो माननी पड़ेगी, प्यार से मान लो, डंडे से मान लो, ये तुम्हारी मर्जी पर है, बेदी ने सख्त आवाज में कहा। मैं नहीं करूँगा तुम्हारा ऑपरेशन, साले फिर उल्टा बोला तू, कहकर शुक्रा गुस्से से आगे बढ़ा। लेकिन अंजना ने शुक्रा को रोक लिया। ये डॉक्टर सराफत की भाषा नहीं समझता, शुक्रा ने दांत भींच कर कहा। ये इसी तरह बकवास करता रहा तो साले को सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, तब ऊपर वाला ही समझाएगा कि तूने ये गलती की, तभी मरा। मेरे साथ बेदी बाघावन को लेकर आगे बढ़ा। हर तरफ बल्ब की मध्यम सी रोशनी फैली थी। कैसी है ये जगह, हर तरफ बदबू फैली है, बाधावन ने मुंह बनाकर कहा। पहले यहाँ गाय भैंसे बांधे जाती थी, तबेला था ये, कहाँ ले आए हो मुझे। मैं, वेदी डॉक्टर बाधावन को लेकर ट्रक के पास पहुँचा। ट्रक के भीतर देखो, वेदी ने कहा। बाधावन ने भीतर नज़र मारी, अंधेरा ही देखा। क्या देखो, बाधावन ने दांत भींच कर कहा, खाली है, ये देखो। कहने के साथ ही वेदी ने जेब से माचिस निकाली, उसकी दो तिलियाँ एक साथ जलाई। पल भर के लिए रोशनी हुई, बधाउन को बख्तरबंद में पड़ा तिजोरी नजर आई। देखा, हाँ भीतर तिजोरी है, मुझे क्यों दिखा रहे हो, बधावन का स्वर पहले जैसा ही था। इसलिए कि इस तिजोरी में करोड़ों के ऊपर की रकम भरी पड़ी है, बेदी अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। 1 करोड़ से ऊपर की रकम, तुम ऑपरेशन के लिए 12 लाख कह रहे थे, तुम्हें 12 लाख मिलेंगे, साथ में 5 लाख टिप के मिलेंगे। मैं दूंगा, किसी तरह तिजोरी खुल जाए फिर तुम्हें मिल जाएंगे। खुल जाए, बाधावन की आंखें सिकुड़ी। वेदी उसे देखता रहा। अगले ही पल बाधावन की आंखें फैल गई। ओह, ये तिजोरी तुम लोगों ने चोरी की है, चोर हो तुम। हाँ, पीछे से आकर शुक्रा बोला, तेरे जैसे कमीने डॉक्टर की 12 लाख फीस देनी थी ऑपरेशन के लिए, जो 12 से 1 पैसा भी कम लेने को तैयार नहीं है। नोटों का इंतजाम तो करना ही था, कर लिया, तेरे साथ साथ अब अपने लिए भी नोटों का इंतजाम कर लिया,
चिंता मत कर, ये तिजोरी ना तो तेरी है और ना ही तेरे बाप की है, तो अपनी फीस ले, फीस से मतलब रख। ओह, तुम लोग तो बहुत खतरनाक लोग हो। हाँ, अब समझ में आ गया कि हम बहुत खतरनाक हैं, सुकरा तीखे स्वर में बोला। संभाल कर हमसे, वरना खतरा तेरे सिर पर भी आ सकता है। चल, तेरा बेडरूम दिखा दो। वो दोनों बाधाओं को लेकर भूसा रखने वाली कोठरी में पहुंचे। ये क्या है? बरबसी बाधाओं की होठों से निकला। ये, सुकरा ने तीखे स्वर में कहा, इस वक्त तो तुम्हारा बेडरूम है। फिर क्या? बाधाओं हाथे से उकड़ा। मेरा बेडरूम? निगाह वहाँ पड़ी चारपाई पर गई। हाँ, सुकरा पहले वाले ही स्तर में बोला, वक्त आने पर इसे ऑपरेशन थिएटर बना दिया जाएगा, जहाँ तुम मेरे यार के सिर का ऑपरेशन करके उसके दिमाग में फंसी गोली निकालोगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बधावन सक पका कर का उठा। गाय भैंसों के तबेले में ऑपरेशन? ऑपरेशन ऐसे होते हैं, इनके लिए साफ सुथरा थिएटर होता है, जिसकी सफाई इस तरह रखी जाती है कि वहाँ कोई कीटाणु भी ना रहे, और फिर चोरी छिपे ऑपरेशन करवाने की क्या जरूरत है? तुम तो तिजोरी तो आप देख ही चुके हैं, वेदी बोला। कल को बात बाहर भी निकल सकती है कि हमने तिजोरी चोरी की है। ऐसे में मैं ऑपरेशन करवा कर निकलूं और पुलिस मुझे पकड़ ले, क्या फ़ायदा ऐसे ऑपरेशन का? लेकिन को बाद में देखेंगे। सुकरा ने बधावन को चरपाई पर धकेला तो उस पर जा गिरा। इसके साथ ही पास रखी नालन की डोरी का बंडल उठाकर उसे चरपाई से बांधने लगा। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम शरारत ना करो, भाग ना जाओ, ये इसलिए किया जा रहा है, सुकरा अपने काम में व्यस्त कहा। बेकूफ़ी वाली बातें मत करो, मैं डॉक्टर हूँ। तुम मुझसे ऑपरेशन करवाना चाहते हो और मुझे इस तरह चरपाई पर बांध रहे हो। कुछ तो सोचो कि जब ऑपरेशन का वक्त आएगा तो तुम्हारी इस राय पर भी गौर कर लेंगे, सुकरा ने कड़वे स्वर में कहा। दिन भर तुम भागते रहे, रात भी बीतने को जा रही है, तुम सोए नहीं, अब आराम करो, खाने पीने को तुम्हें मिलता रहेगा। उसे बांध कर दोनों बाहर निकल गए। अब हालत ये थी कि बधावन चारपाई पर सीधा लेटा था, चारपाई के साथ ही नायलन की डोरी से उसे इस तरह बांधा गया था कि खुद को आज़ाद करवाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था, करवट भी नहीं ले सकता था। वो जैसे भारी मजबूत चारपाई का ही हिस्सा बनकर रह गया था। हे भगवान, बधावन बड़बड़ा उठा, ये तो मुझे कहाँ ले आया? इधर मेरी बेटी मेरी चिंता कर रही होगी। फिर वो एकाएक जोरों से चीखा, पागल लोगों, खोलो मुझे। लेकिन खोलने को कोई नहीं आया। बधावन चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। झिंगुरू की आवाज़ें अभी भी गूंज रही थी। अंजना ने चाय बना ली थी, तीनों बैठे चाय पी रहे थे। चीख चिल्लाहट डॉक्टर वधावन जैसे सो गया था, क्योंकि अब उसकी आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। करीब के गांव के लोग भी अब जागना शुरू कर देंगे, उनका तो दिन निकलने वाला था। विधि ने घूंट भर कर दोनों को देखा। डॉक्टर वाला काम तो निपट गया, सुकरा ने बेदी और अंजना पर निगाह मारी। जब ऑपरेशन का वक्त आएगा तो हो जाएगा, अंजना बोली। इस बात की तो कोई चिंता नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि तिजोरी कैसे खुले? तिजोरी खुले बिना हमारे काम आगे नहीं बढ़ेंगे, बेदी ने दोनों को देखा। दूसरा काम भी निपट जाएगा, बेदी ने सोच भरे स्वर में कहा। जल्दी ही कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन नंबर मिल जाएगा, दिन में ऑफिस आऊँगा, किसी तरह वहाँ से मालूम करूँगा कि हेडक्वार्टर से पीसुरीलाल के सेफ की फाइल कब ब्रांच में आ रही है, उसमें कॉम्बिनेशन नंबर मौजूद होगा। ये भी हो सकता है कि अब तक फाइल ऑफिस के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुँच चुकी हो, दिन में ही इस बात की खबर लगेगी। सब चाय की आधी आधी प्याली खत्म कर चुके थे। मैं कुछ कहूँ? सुकरा बोला। कॉम्बिनेशन नंबर मालूम करने के बारे में? अंजना बोली, हाँ बताओ। सबसे आसान रास्ता है सेठ पीसुरीलाल को उठाकर यहाँ लाया जाए, सुकरा दांत भींच कर का उठा। आइडिया बुरा नहीं, अंजना का उठी। मतलब कि तीसरा अपराध? बेदी के होठों से निकला। विजय, सुकरा गंभीर स्वर में बोला, ये तो सीढ़िया है, अपराध की सीढ़िया, चढ़ते जाओ, कभी खत्म नहीं होती। जब तक तुम्हारे सिर का ऑपरेशन नहीं होता, दिमाग में फंसी गोली नहीं निकलती,
तब तक के लिए सीढ़ियाँ गिनना छोड़ दो कि कितनी सीढ़ियाँ तय कर चुके हो, सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। अजीब रास्ता है अपराध का, एक करो तो दूसरा करना पड़ता है, दूसरा करो तो तीसरा। बेदी गहरी सांस लेकर का उठा, लेकिन मैं पिसोरी लाल को उठा लाने के हक में नहीं हूँ। क्यों? अंजना ने उसे देखा, वो सेफ का कॉम्बिनेशन किसी कीमत पर भी नहीं बताएगा और ये भी जान लेगा कि उसकी तिजोरी किसने उड़ाई है। ऐसे में हम और भी फंस जाएंगे, बेदी ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है ना? अंजना ने उसे देखा। हाँ, क्यों? जब रिवॉल्वर उसके सिर पर रखी जाए तो बता देगा। जान सबको प्यारी होती है, अंजना बोली। बेदी ने गहरी निगाहों से अंजना को देखा, उसकी आवाज़ और आँखों में अजीब सा बदलाव देखा था उसने, जबकि ऐसी बात उसे अंजना के मुँह से अच्छी नहीं लगी थी। पिसरीलाल को छोड़ो, हमारा काम उसके बिना भी हो जाएगा, बेदी ने फैसला सुनाने वाले ढंग में अपनी बात कही। ऑफिस के स्ट्रॉन्ग रूम में उसकी फाइल आ चुकी होगी, कोई हर्ज नहीं, यही रास्ता ठीक रहेगा, शुक्रा ने कहा। बेदी ने अंजना को देखा। तुम डॉक्टर का ख्याल रखना, किसी भी तरफ से उसके साथ रियायत मत बरतना, अगर वो यहाँ से भाग निकला तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी, बेदी ने कहा। मैं बहुत चालाक है, वो बहुत चालाक है और किसी भी बात पर तुम्हें आसानी से बेवकूफ बनाकर निकल सकता है, फिक्र मत करो, अंजना मुस्कुराई। इतना आसान नहीं है मुझे बेवकूफ बनाना। तुम, बेदी ने चाय का खाली प्याला रखकर अंजना को देखा, इस बारे में सोचना छोड़ दो कि तिजोरी कैसे खुलेगी, वो खुल जाएगी, जो काम तुम्हें करने को कहा जाए उसे मन लगा कर करो। वही काम तो मैं मन लगा कर कर रही हूँ, अंजना गहरी सांस लेकर भारी स्वर में कह उठी। मुझे तिजोरी से क्या लेना देना है, मैं चाहती हूँ जल्द से सब ठीक हो जाए, अपने विजय को मैं पहले की ही तरह हंसता खेलता देखूँ। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम हो, तुमसे ज़्यादा कुछ कीमती है क्या? सॉरी, बेदी मुस्कुराया, मुझे लगा कि जैसे तुम तिजोरी खुलने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हो। हाँ, तिजोरी खुलने में ज़्यादा दिलचस्पी है मुझे, अंजना फौरन का उठी, क्योंकि तिजोरी के पैसों में तुम्हारी ज़िंदगी बंद है और तुम्हारी ज़िंदगी में ही हमारी खुशियाँ है। तभी शुक्रा उठा और कह उठा, मैं तो चला सोने, नींद आ रही थी, भूसे के दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, चरपाई वहाँ भी है, मच्छरों से ज़रा बच कर आना, बेदी मुस्कुराया। नींद में होशी कहाँ रहती है, शुक्रा भी मुस्कुराया। कल मेरे लिए कोई खास काम? अभी तो नहीं, तो शायद मैं उदय के पास हो जाऊँ, उसकी कार ले रखी है 3 दिन से, कोई खबर भी नहीं दी, शुक्रा ने कहा। वो कार की परवाह नहीं करने वाला, शुक्रा सोने चला गया। अंजना ने फालतू की लाइट बंद की और विजय की चारपाई पर ही पहुँच गई। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे बेदी रॉयल सेफ कंपनी में था। हेलो सपना, भीतर प्रवेश करते ही रिसेप्शन पर बैठी सपना को देखकर मुस्कुराया। कैसी हो? मैं आया था, तुम उस दिन ऑफिस नहीं आई थी, आज तो ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, अंजना से भी ज़्यादा, सपना ने छेड़ा। अंजना कर तुम्हारा मुकाबला क्या, बेदी ने गहरी सांस। क्यों? अंजना ने आँखें नचाई। अंजना अंजना है, सपना सपना है, बेदी ने शरारत भरे स्वर में कहा। तुम सुधरोगे नहीं? सुधर जाऊंगा, पहले तुम्हें गोली लगी थी, उसका क्या हुआ? सुना है, सुनी बात की बात मत किया करो, बेदी वहां से हटता हुआ बोला। अभी आता हूँ, मल्होत्रा साहब से मिला, वो आ गए हैं क्या? अपने केबिन में, सपना ने मुस्कुराकर कहा। ओके, मिलकर अभी आया, कहकर बेदी पलटा तो पीछे संतोष सिंह को खड़े पाया। तुम? हाँ मैं, हटो जल्दी है। वो तो ठीक है, संतोष सिंह सुलगाने वाले अंदाज में कह उठा। विजय बाबू आप ऑफिस आए, सपना में इंसाब से मिल लिए, जयराम जी की हो गई, अब ये कहना कि अभी आया समझ में नहीं आया। बेदी के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। तुम जब बीवी से मिलते हो तो कहते हो मैं अभी आया, बेदी मुंह बनाकर बोला। नहीं, मैं तो कहता हूँ दूर जा, आराम करने दे, यही तेरे को समझाना चाहता हूँ कि तेरी शादी हो गई है और मेरी अभी होनी है, तूने लड्डू खा लिए और मैंने अभी खाने हैं, समझा क्या? बेदी ने होठ सिकोड़े। नहीं, संतोषी के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। सपना खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं समझे तो अपनी सपना मेम साहब से समझ लेना, ऑफिस के जासूस, कहने के साथ ही बेदी आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही पलों में उसने प्राणनाथ मल्होत्रा के ऑफिस में प्रवेश किया। आओ विजय आओ, प्राणनाथ मल्होत्रा उसे देखते ही बोला। बैठो।
थैंक यू सर, बेदी बैठता हुआ का उठा। दो दिन से कहाँ थे, कल भी ऑफिस नहीं आए, परसों भी नहीं, कम से कम खबर तो कर दिया करो। तबीयत खराब थी सर, संभली तो हाजिर हो गया, बेदी ने जरा सा मुस्कुराकर कहा। सेठ फिसोरीलाल के बारे में सुना, प्राणनाथ मल्होत्रा ने कहा। उसकी तिजोरी, यस सर, बहुत बुरा हुआ फिसोरीलाल के साथ। हाँ, कटोरे से ऊपर की रकम होगी तिजोरी में, प्राणनाथ मल्होत्रा ने अफसोस भरे स्वर में कहा। सर, ये किसी जान पहचान वाले का ही काम है, किसी भीतर के आदमी का, बेदी ने शांत स्वर में कहा। तुम ठीक कहते हो, ये इनसाइड जॉब है। जेब पर हाथ डालने पर पहले लूटने वाले ने पहले हर तरफ की पूरी जानकारी ली है, तभी वो इतनी आसानी से अपने काम में सफल हो गए। पुलिस भी साथ थी, तभी वो लोग डरे नहीं, कि जिससे उन्हें पूरा विश्वास था कि वो कामयाब होकर ही रहेंगे। कहने के साथ ही प्राणनाथ मल्होत्रा मुस्कुराया, लेकिन अब सेफ उड़ाने वाले परेशान हो रहे होंगे। क्यों सर? वो सेफ हमारी कंपनी की है, और रॉयल सेफ कंपनी की सेफ को बिना कॉम्बिनेशन नंबर खोल पाना बहुत कठिन है। प्राणनाथ मल्होत्रा की आवाज़ में विश्वास के भाव थे। हमारी कंपनी के सेफों तिजोरियों का लॉक सिस्टम बहुत ही उम्दा और मजबूत होता है, तुम तो जानते ही हो। जी, लेकिन अब सेठ फिसोरीलाल को खतरा हो सकता है, बेदी ने सामान्य स्वर में कहा। क्यों सर? तिजोरी ले जाने वालों को कॉम्बिनेशन नंबर का मालूम नहीं, किसी और तरह वो तिजोरी ना खोल पाए तो कॉम्बिनेशन नंबर जानने के लिए वो लोग फिसोरीलाल पर हाथ डाल सकते हैं। ओह यस, ऐसा हो सकता है, प्राणनाथ मल्होत्रा ने फौरन सिर हिलाया। तुम्हारा क्या ख्याल है, फिसोरीलाल ऐसा होने पर कॉम्बिनेशन नंबर बता देगा? क्या कह सकता हूँ, लेकिन जान तो सबको प्यारी होती है, बेदी ने संभल कर कहा। हाँ, ये बात तो सही है, मेरे ख्याल में इस बारे में फिसोरीलाल को सतर्क कर देना चाहिए। कहने के साथ ही प्राणनाथ मल्होत्रा ने रिसीवर उठाया और फिसोरीलाल का नंबर मिलाकर उससे बात की। ओह मल्होत्रा, फिसोरीलाल का लूटा पिटा स्वर कानों में पड़ा। थारी सेफ आम को रास नहीं आई, उसमें मारा 1.5 करोड़ का माल था, वो सब चलो गए, मैं बर्बाद हो गयो, पब्लिक को पैसा देनो है भाइयों, अब वो कौन देगा, मारा बिस्तरा तो गोल हो जायो। सुनकर वास्तव में अफसोस हुआ सेठ जी, मैं थारे को तो अफसोस हो गया, पर मैं क्या करूँ, लेनदार मेरी गर्दन पकड़ो, थारी नहीं, मैं तो लूट गयो, मारे को भी अपनों या रख ले भाइयों, झाड़ू पोछा मारो। मैं ऐसे बात मत कीजिए, देर सवेर में आपकी तिजोरी मिल जाएगी, पुलिस पता होवे भाइयों, पुलिस तिजोरी ढूंढ लायो, पनो ढोलको की तरह खाली होवे, सारो खजाना तो तिजोरी ले जाने वालों ने हजम कर लियो होवो। मैंने आपको खास बात करने के लिए फ़ोन किया था, अब खासों में बचा ही क्या होवे, जो तू कहो। तिजोरी ले जाने वाले के पास तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर नहीं है, ऐसे में वो तिजोरी नहीं खोल सकते, उस नंबर को पाने के लिए वो आपका अपहरण कर सकते हैं, मल्होत्रा ने कहा। भाइयो, तू तो नई मुसीबत मेरे गलों में लटकायो, इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, किसी भी अजनबी से मत मिलिए, बाहर आना जाना भी कम कर दीजिए, अपने दरबानों को भी सावधान, वो तो मैं बता दे, पर मारी तिजोरी मिलो कि नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पुलिस से बात कीजिए। फिसोरीलाल से बात करने के बाद प्राणनाथ मल्होत्रा ने रिसीवर रखा। तुम सुनाओ, कैसे हो? सर, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ दिन की छुट्टी चाहता हूँ, बेदी ने कहा। क्या हुआ तबीयत को? सिर में दर्द रहता है, कभी कभी तो जोरों से उठता है, बेदी ने बोझिल स्वर में कहा। दिमाग में फंसी गोली की वजह से ये सब होगा शायद। कितने दिन की छुट्टी चाहते हो? 2-4 दिन की सर। ठीक है, मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर लेता हूँ, कुछ दिन तुम आराम कर लो। थैंक यू सर, लेकिन परसों कुछ घंटों के लिए तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा, खास काम है। हाँ, परसों शाम की फ्लाइट से हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हेमंत लाल आ रहे हैं, जैसा कि उनका रूटीन है कि हर 2 महीने में एक बार वे आते ही हैं। तुम पहले भी कई बार उन्हें रिसीव कर चुके हो, इस बार भी उन्हें रिसीव करने का काम तुम्हें करना है। हर बार की तरह उसी होटल में उनका कमरा बुक हो चुका है, उन्हें वहाँ पहुँचा कर आ जाना। ये काम तो मैं कर दूँगा सर। हेमंत लाल जी कुछ सेफों के कॉम्बिनेशन नंबरों की फाइलें भी साथ ला रहे हैं, कुछ हमारी ब्रांच की है तो कुछ दूसरी ब्रांच की, शायद आते जाते उनका प्रोग्राम बना होगा कि फाइलें भी लेता चलूं, नहीं तो खास तौर से किसी और को भेजना पड़ेगा।
बहरहाल परसों तुम जनरल मैनेजर साहब को रिसीव करना मत भूलना। मुझे याद रहेगा सर। खुशी से वेदी का दिल धड़क रहा था। जनरल मैनेजर उबिक चुकी सेफों की फाइल लेकर आ रहा था जिसमें उनके कॉम्बिनेशन नंबर भी होते हैं। उन फाइलों में पिसोरीलाल की सेफ की फाइल भी होगी, मतलब कि तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर जानना अब कठिन नहीं रहा। तभी फ़ोन की बेल बजने पर प्राणनाथ मल्होत्रा ने रिसीवर उठाया। हेलो। आधा मिनट बात करने के बाद प्राणनाथ मल्होत्रा ने रिसीवर रख दिया। विजय, पूना से फ़ोन था, हेडक्वार्टर से। जनरल मैनेजर साहब किसी काम की वजह से परसों नहीं आ रहे। कहा गया है कि अगले प्रोग्राम की खबर दे दी जाएगी। बेदी की सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। तुम हर रोज़ मुझे फ़ोन कर लिया करो ताकि जनरल मैनेजर साहब आ रहे हो तो मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए कह दूँ, प्राणनाथ मल्होत्रा बोला। जी। बेदी जैसे खुद को थका थका सा महसूस करने लगा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी सर, कभी कभी ऐसी ही बिगड़ जाती है। मैं चलता हूँ सर। बेदी उठ खड़ा होगा। दो चार दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। यस सर। कहने के बाद बेदी मल्होत्रा के केबिन से बाहर निकल आया। उसे लगा वक्त ही खराब चल रहा है। अच्छा भला जनरल मैनेजर फाइलों के साथ आ रहा था। उसे रिसीव करने का मौका भी उसे ही उसके ही हवाले था। पिसोरीलाल के सेफ की फाइल भी उसके पास होनी थी। ऐसे में जुगाड़ भिड़ा कर वो आसानी से पिसोरीलाल की तिजोरी को खोलने का नंबर जान सकता था। लेकिन अचानक ही जनरल मैनेजर का आना रुक गया। हेलो विजय साहब। रिसेप्शन के करीब पहुंचा तो सपना के पुकारने पर उस सोचों से बाहर निकला। जा रहे हो फील्ड में? सपना मुस्कुराई। फील्ड नहीं, तबीयत ठीक नहीं चल रही, दो चार दिन की छुट्टी ली है। बेदी ने गहरी सांस ली। चाय चलेगी? चल जाएगी। कहने के साथ ही बेदी रिसेप्शन डेस्क के पीछे सपना के पास जा बैठा। सपना ने बेल मारकर संतोष सिंह को बुलाया और चाय के लिए कहा। चाय तो मैं ला देता हूँ, संतोष सिंह ने कहा। फिर बेदी को घूरा। साहेब जी, बड़े साहेब पसंद नहीं करते कि सपना मेम साहब के पास डेस्क के पीछे कोई बैठे। मैं नहीं बैठा, बेदी ने उसे देखा। बैठने का बुलावा दिया गया है। किसने दिया? जो पास बैठी है। संतोष सिंह ने सपना को देखा फिर बड़बड़ा कर पलट गया। ले ही उसके चिपके या कागज ले ही से, बात तो एक ही है। शादी के बाद भी मैं इस तरह अपने बीबी के पास नहीं बैठ सकता था। डर लगता था कि कहीं ऊपर से बाप ना आ जाए। वेदी वापस अपने गांव वाले मकान पर पहुंचा। शुक्रा वहीं था। अंजना खाना बना चुकी थी, जैसे जैसे डॉक्टर बधावन को खाना खिला दिया था। खाना खाने के दौरान गुस्से में वो चीखता चिल्लाता रहा। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। उसके बाद उसने बाथरूम जाने को कहा तो शुक्रा ने सावधानी से उसे खोलकर बाथरूम से भारी कराया और पहले की तरह बांध दिया। गुस्से में बोलता रहा था डॉक्टर बधावन। बेदी शुक्रा को देखते ही बोला, तुम तो उदय के पास जाने को कह रहे थे। बेदी बैठता हुआ बोला, हाँ। शुक्रा लापरवाही से बोला, लेकिन मन नहीं किया, सोचा भाभी से गप्पे मार लूँ, खाना लगाऊँ। अंजना बेदी से बोली, तैयार है और लंच का वक्त भी हो चुका है। बेदी ने सहमति में सिर हिला दिया। अंजना सामने पड़ा खाना पुराने बर्तनों में डालने लगी। वो बर्तन जो वेदी बचपन में इस्तेमाल करता था, जिस उसके माँ बाप दादा इस्तेमाल किया करते थे। ऑफिस में क्या हुआ? कॉम्बिनेशन नंबर का नहीं पता चला? शुक्रा ने पूछा। नहीं, वो फाइल अभी तक हेड ऑफिस से नहीं आई। वेदी व्याकुल स्वर में कह उठा, परसों आ रही थी, जनरल मैनेजर आ रहा था, वो वहीं ला रहा था, परंतु किसी वजह से वक्ती तौर पर उसका प्रोग्राम बदल गया। अब वो कब आता है कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो गड़बड़ हो गई, शुक्रा बोला। अंजना ने उखड़ी निगाहों से बेदी को देखा। हो सकता है जनरल मैनेजर दो तीन दिन बाद आ जाए फाइल लेकर, शुक्रा ने कहा। और ये भी हो सकता है कि वो 20 दिन में भी ना आए, बेदी ने पहलू बदला। जबकि हमारा एक दिन कीमती है, डॉक्टर बधावन को ज़्यादा रे इस तरह कैद में नहीं रख सकते, इस तरह बंदा बंदा वो बीमार हो सकता है। इससे में क्या वो ठीक तरह से ऑपरेशन कर पाएगा? मैं सब कुछ जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम तिजोरी खुलने में उतनी ही देर होती जा रही है। अंजना पुराने से टेबल पर खाना रखते का उठी। तो मेरी बात क्यों नहीं मानते विजय? कौन सी बात? सेठ पिसोरीलाल को पकड़ लो, जब वो देखेगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं तो खुद ही तिजोरी खोलेगा।
मैं भी अब इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ। पिसोरी लाल से ही ये काम करवाना पड़ेगा। तीनों ने खाना शुरू कर दिया। पिसोरी लाल पर हाथ डालने का मतलब है खुले में आना, शुक्ला ने गंभीर स्वर में कहा। अभी तक पुलिस नहीं जान पाई थी कि तिजोरी कौन ले उड़ा है, बात खुलते ही पुलिस पीछे लग जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो, हाथ पर हाथ रखे हम तिजोरी को देखते रहे, अंजना तीखे स्वर में कह उठी। शुक्ला ने अंजना को देखा, कहा कुछ नहीं। शुक्ला ठीक कहता है, पुलिस की निगाहों में आते ही हम पक्के तौर पर कानून के अपराधी बन जाएंगे, बेदी गंभीर स्वर में कह उठा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। पिसोरी लाल को कैसे पकड़ कर लाओगे, शुक्रा ने बेदी को देखा। ये मेरे लिए मामूली काम है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन पिसोरी लाल को यहाँ तक लाना, खाना खाओ। पिसोरी लाल पर कैसे कब्जा करना है मैं इसी बात पर सोच रहा हूँ, रास्ते में किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। पिसोरी लाल को लाने के लिए उदय की कार का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, कार के दम पर पुलिस उस तक पहुँच सकती है, बेदी ने शुक्रा को देखा। तो शहर जाकर पहले उदय की कार वापस करनी है, उसके बाद तुम्हें कहीं से कोई कार उठानी होगी, कहने के साथ ही बेदी शुक्रा को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगा। चिंता मत करो, कोई कार तो उठा लूँगा, शुक्रा सिर हिला कर उठा। विजय, अंजना का उठी, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारा ऑपरेशन हो और तुम अच्छे हो जाओ, और ये तभी हो सकता है जब तिजोरी खुल जाए। तिजोरी जल्दी खुलेगी, बेदी सोच भरे स्वर में कह उठा। उदय भी उन्हें देखते ही खुश हो उठा। आओ दोस्तों, कहाँ रहते हो, कभी तो मुझे भी याद कर लिया करो, उसने बेदी को देखा। कल तुम्हारे फ्लैट पर गया था लेकिन बंद मिला, मैं लेट घर पहुँचा था। वो तीनों केबिन में जाकर बैठे। उदय ने छोकरे को चाय लाने को बोल दिया था। सुना तेरी तबीयत का क्या हाल है, उदय ने पूछा। बढ़िया, दिमाग के बीच फंसी गोली का क्या हुआ, वो अपनी जगह है, बेदी ने अपने सिर पर हाथ फेरा। पैसे का इंतजाम नहीं हुआ ना, नहीं, कहाँ से होना है, बेदी ने गंभीर स्वर में कहा। हमें से किसी के पास भी नहीं है, उदयवीर का चेहरा दुख और अफसोस से भर उठा। यार विजय, मेरे दोस्त, मेरे भाई, उदय की आवाज़ में तड़प थी। काश मेरे पास पैसा होता और मैं तेरे काम आ सकता, कैसी बुरी किस्मत है, यार को जरूरत पड़ी और मैं कुछ नहीं कर सकता, उदय की आंखों में पानी चमक उठा था। तभी छोकरा चाय लाया, कपों में डालकर चला गया। उदयवीर ने गीली आंखों को साफ किया और चाय के कप दोनों की तरफ सरकाता का उठा। पियो यार, चाय तो पियो, उदय, बेदी समझाने वाले स्वर में का उठा। मैं जानता हूँ, अगर तेरे बस में होता तो तू मुझे मुसीबत से निकलवाने में पीछे नहीं हटता, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ इन बातों को, राघव कहाँ है, शुक्रा बात बदलने वाले लहजे में का उठा। कल आया था, वो भी विजय की बात करता है, कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। चाय खत्म होने तक इधर उधर की बातें होती रही। तुम्हारी कार बाहर खड़ी है, बेदी उठता हुआ बोला। जरूरत है तो रख लो, मेरा काम तो कस्टमर की कारों से चल जाता है, उदयवीर ने कहा। नहीं, अभी जरूरत नहीं, दोनों ने उदयवीर से इजाज़त ली और गैराज से बाहर आ गए। उधर कार उठाने में उन्हें करीब एक घंटा लग गया। बैंक के बाहर आती जाती कार पर उनकी निगाहें टिकी रही। एक कार वाला बैंक पहुंचकर कार को वैसे ही छोड़कर भीतर चला गया। साधु से भीतर एक आध मिनट का काम रहा होगा, चाबी कार में ही लगी रह गई थी। इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता था। शुक्रा फौरन आगे बढ़ा, कार में बैठा और कार को स्टार्ट कर दी। तब तक बेदी भी कार में आ बैठा था। शुक्रा ने फौरन कार आगे बढ़ा दी और शुक्रा मुस्कुरा कर कह उठा, चलो अब ये काम भी सफल हो गया। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की तीसरी एपिसोड, स्टोरी विद अरुण, पर अभी आप लोग सुन रहे थे अनिल मोहन की लिखी सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन उपन्यास खलबली। इसी उपन्यास की ये तीसरी एपिसोड थी, इससे आगे की कथानक इसके चौथे एपिसोड में आप लोग सुन सकेंगे, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। आदरणीय श्रोता, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है और आप सभी के कमेंट्स का मैं लिखित रिप्लाई भी जरूर करता हूँ। तो चलिए, अब फिर हमारी अगली मुलाकात कल होगी इसी नॉवेल के चौथे एपिसोड में इसके आगे की कथानक के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।